ओके जी, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने क्रड के बारे में कि क्रड क्या चीज है। चीज है सिंपल, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हमारे पास होता है कि आपकी पूरी की पूरी एक जो एक एप्लीकेशन है वो आपका क्रड परफॉर्म कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ये जो है आपका अमेजोन का है, आप जाते हो अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर। वहां पे आपने क्या काम करना है, आपने अपनी बुक्स को परचेज करना है। ठीक है, क्या होगा, आप लोग वहां पे जाके पहले अपना अकाउंट क्रिएट करोगे पहले। सही, सबसे पहले आपका क्या काम करोगे, साइन अप करोगे। वहां पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो भी चीजें आपने देनी हो आप लोग दे दोगे वहां पे जाके। जैसे आप सबमिट करोगे, आप ऐड हो जाओगे एज एन यूजर, आप हो जाओगे वहां पे रजिस्टर जाकर। ठीक है, उनकी डेटाबेस में हो गया आप लोग। ये कौन सा टास्क परफॉर्म हुआ क्रड में से, क्रिएट। यहाँ पे आके क्या हुआ, एक यूजर जो था वो मेरा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो क्या हुआ, उस क्रड में से सी पूरा हो गया हमारा। सही है, अब लेट सपोज वो यूजर आता है, उसे जैसे अपना साइन अप कर लिया ना, उसके बाद उसको एक और सेपरेट डैशबोर्ड मिल गया जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ डमी प्रोडक्ट्स उसके सामने पड़ी हुई हैं। उसको समझाने के लिए कि यार आपने कुछ इस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करना है। समझ आ रही है इस चीज की। पहले यूजर क्रिएट हुआ, ठीक है, उसे सबमिट किया, वो क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या सीन हुआ, उस वो एक पैनल पे आया और वहां पे उसको कुछ डमी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो उसे क्या काम किया, वो उसको प्रोडक्ट्स दिख रही हैं। ये क्या काम कर रहा है, वो उन प्रोडक्ट्स को रीड कर रहा है। ठीक है, क्रिएट और रीड। देखो क्रिएट होता क्या है, क्रिएट मेनली हम लोग करते हैं हमारा जो यूजर है ना उसके लिए नहीं होता, वो क्रिएट होता है हमारे डेवलपर के लिए। हमारा जो डेवलपर है वो हमारे यूजर को क्रिएट कर रहा होता है, बट जो रीड होती है वो हमेशा हमारा यूजर कर रहा होता है। बट आपकी जो अपडेट और डिलीट होती है ये आपका यूजर भी करता है और आपका एडमिन दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर जाते हो अपने उसी पासवर्ड में, उसी अमेजोन में, और आप कहते हो कि यार मुझे तो मेरा पासवर्ड ही भूल गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पासवर्ड में भूल गया, आप क्या काम करोगे, आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट करोगे या रीसेट कर दोगे, कुछ भी इस तरह का काम करोगे। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे क्या होगा, आप वो आपको बोलेगा कि यार अपना पिछला पासवर्ड डालो, अगर वो नहीं है तो आप अपनी ईमेल डाल दो। ठीक है, ईमेल डालोगे क्या होगा, वो आपको बोलेगा आप अपना न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे आके ऐड कर दो। ये क्या होगा, ये अपडेट होगा हमारे पास यहाँ पे कि पहले कुछ और था हमारे पास सिस्टम। ठीक है, पहले हमारे पास कुछ और हमारा था पासवर्ड, हमने क्या काम किया, हमने उसको रिसेट करके जो है ना एक नया पासवर्ड ऐड किया। रिसेट या फॉरगेट कर दिया हमने उस चीज को और एक नया पासवर्ड ऐड कर दिया, उसी चीज को हमने जो है ना यहाँ पे आके अपडेट कर दिया। लेकिन ये तो काम हो गया हमारे यूजर का, यूजर ने जो है ना अपना पासवर्ड खुद अपडेट कर दिया। लेट सपोज मैं एक एडमिन हूँ एक ई कॉमर्स पैनल का और मैंने उसको अपडेट करना है, मैं क्या काम करूंगा, मैं यूजर को अपडेट नहीं करता, मैं हमेशा अपडेट करता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स को। आप लोग देखते हो यार कि जो भी आपका ई कॉमर्स पैनल होता है ना, वहां पे आपकी प्रोडक्ट्स का पहले जो प्राइस कुछ और होती है, फिर कुछ समय बाद आके उसकी प्राइस चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एडमिन है ना वो क्या काम कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को अपडेट कर रहा है यहाँ पे। समझ आ रही है इस चीज की। तो इस तरह से वो अपडेट यूजर भी कर सकते हैं और हमारा अपडेट जो है वो एडमिन भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिलीट है वो क्या होता है, डिलीट सिंपल हमारे पास सिस्टम है कि आपका अगर जो यूजर है वो कहता है कि मुझे इस एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट रखना ही नहीं है, बस मेरा खत्म कर दो यहाँ से आके, वो डिलीट कर देगा मेरा अकाउंट, वो अपना अकाउंट डिलीट कर देगा। वो उसकी डिलीट की रिक्वेस्ट लगी, वहां से वो खत्म हो गया। और अगर कभी एडमिन चाहता है कि यार ये जो मुझे लग रहा है ना यूजर, ये थोड़ा सा इश्तियारी लग रहा है मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे आके, ठीक है, वो क्या काम करेगा, उसको डिलीट कर देगा यहाँ पे। तो क्या होगा, वो उससे वहां पे आके डिलीट कर दिया, या भी वो अपनी प्रोडक्ट्स को कर सकता है या यूजर किसी को भी कर सकता है, बिकॉज एडमिन के पास पूरी एक्सेस है मेरे यूजर की भी और उसकी प्रोडक्ट्स की भी, वो सारे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा एक क्रड है ना वो परफॉर्म हो रहा होता है। आपकी कोई भी एप्लीकेशन उठाकर देख लो, उसमें ये सिर्फ यही चीज है, सिर्फ क्रड है, ऑब्वियस है। इसके बाद आपकी और चीजें ऐड हो जाती हैं कि यार अगर आपको पासवर्ड नहीं आता तो लॉग इन विद गूगल कर लो, लॉग इन विद फेसबुक कर लो, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बट मेनली है वो भी क्रड ही हमारे पास। सही, क्रड समझ आना चाहिए सबको यहाँ तक बेस्ट है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे आके अपना क्रड समझ आ चुका है। वैसे आप लोग में से किसी ने चैट जीपीटी का नाम सुना, कभी यूज किया है? एक्सटेंशन, ब्राउजर एक्सटेंशन होती है। चैट जीपीटी एक तरह की एआई है, एक तरह का ओपन एआई है, जिसमें जो है उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। ये मेनली निकल के आया जो कंपनी थी ओपन एआई, उन्होंने ये अपनी ये प्रोडक्ट निकाली है चैट जीपीटी के नाम से, और वो उन्होंने निकाली गूगल को कम्पीट करने के लिए। बिकॉज जो हमारा गूगल है ना, अगर हम लोग उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो क्या काम करता है, हमें दूसरी वेबसाइट्स की यूआरएल दे रहा होता है। ऐसे है ना, क्या काम करता है, मे बी हम स्टैक ओवरफ्लो का दे सकता है, गिटहब का दे सकता है, किसी और वेबसाइट का दे सकता है, बट जो चैट जीपीटी है ना वो क्या काम करता है, वो हमें खुद हमें रिस्पॉन्स दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। अगर मैं आता हूँ मेरे चैट जीपीटी के ऊपर, चैट ओपन है, ये मैंने किया यहाँ पे आके, क्या हुआ, देखो ये जो चीज है ना, इस चीज को अगर यूज करना डेवलपर्स को आ जाए ना तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर इसको यूज करना ही ना आए तो फिर वो यहाँ पे आके पता है क्या सर्च करते हैं,
यहाँ पे आके पता ये सर्च करते हैं हाउ आर यू, ये सर्च करते हैं शुगर लगाने के लिए कि देखो चैट जीपीटी इसका मुझे क्या रिस्पांस देगा, देखते हैं क्या रिस्पांस देता है। वैसे ये लो, वो कह रहा है एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, मेरे एक उधर बैठे थे एम्प्लॉय बैठे थे, उन्होंने तो इधर कुछ और ही लिख दिया, तो उसका भी उसने यही रिस्पॉन्स दिया कि आई विल ब्लॉक यू इफ यू अगेन राइट दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट। उन्होंने कुछ ज्यादा ही चीज लिख दी थी वहां पे, तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स देते हैं। तो डिपेंड करता है डेवलपर्स इसको यूज किस तरह से करते हैं। ये चीज इस पे ये नहीं कहा जा सकता कि इससे जो है डेवलपर्स की जॉब्स को कम कर दिया है, इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं है। इससे डेवलपर्स की जॉब को और आसान कर दिया है कि अब पहले जो डेवलपर्स क्या काम करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाते थे, वही काम वो यहाँ पे आके अब कर लेते हैं। अब मुझे जो है ना, मुझे कुछ आज से मेरा ख्याल है 7-8 दिन पहले पीएचपी के ऊपर मुझे ऐसे जितनी पीएचपी नहीं आती है, मुझे पीएचपी के ऊपर कोड करना था मुझे, तो मैंने क्या काम किया, मैंने आप यहाँ पे आके सर्च किया कि यार किस तरह से जो है ना मैं अपनी पीएचपी के ऊपर ट्राई एंड कैच कर सकता हूँ, हाउ टू सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट इन पीएचपी। मैंने यहाँ पे आके सर्च किया, उस वजह इसका प्रॉपर जो है ना कोड जनरेट करके दे दिया यहाँ पे कि यार आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि मैंने पीएचपी काफी टाइम पहले की थी, मुझे ऐसे दोबारा इसे देखना पड़ना था, ये उसने मुझे सारा पापा दे दिया। बट अगर यही काम आकर मैं करता हूँ मेरे स्टैक ना गूगल के ऊपर जाकर क्या होगा, वो मुझे स्टैक ओवरफ्लो का लिंक दे सकते हैं। मे बी लेट्स सपोज मैं आता हूँ गूगल के ऊपर, मैं लिखूंगा हाउ टू सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट इन पीएचपी, सही गूगल, ये पहला लिंक आया स्टैक ओवरफ्लो के, क्लिक करते हैं इसके ऊपर आकर क्या होगा, वो मैं इस वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाएगा। लेकिन मैं फिर भी जो है ना बाज़ूकात प्रेफर करता हूँ स्टैक ओवरफ्लो को और बाज़ूकात चैट जीपीटी को, क्योंकि चैट जीपीटी जो है ना मैंने इसके कई आंसर नोट किए हैं, वो स्टैक ओवरफ्लो का जो बेस्ट आंसर होता है वो उठाकर मुझे देता है स्टैक ओवरफ्लो। बिकॉज स्टैक ओवरफ्लो का सीन ये है कि यहाँ पे सारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं, ये जो किसी बंदे का कोई इशू आ गया नीचे उसको अगर कोई रिस्पॉन्स करें तो वो भी एक डेवलपर ही कर रहा है। ठीक है, ये उसने अपना यूआरएल ऐड किया तो ये भी किसी डेवलपर ने ही कर दिया है, तो ये बाजू का कुछ हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है एज कम्पेयर टू हमारे चैट जीपीटी जीपीटी के। बट ये भी चीज है कि वो हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देती है कि यार आपने ये काम करना है। अब कुछ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास आया एक प्रोजेक्ट आई गेस 10-15 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने क्या काम किया, वो चाहते थे कि यार हम लोग जो है ना आर्टिकल जनरेट करना चाह रहे हैं, किस तरह से लाइक यूजर आता है और वो आकर सिर्फ और सिर्फ उसका ऐड करे कि व्हाट इज वर्डप्रेस फॉर एग्जांपल, या फिर व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, वो ऐड करे एंटर करे उसको एक नीचे पूरा आर्टिकल प्रॉपर मिल जाए कि यार ये चीज होती है। फिर मैं उसका एक एपीएस तैयार किया आपको दिखाता हूँ, मे बी मेरे पास यहाँ पे इसमें पड़ी होगी, उबंटू में पड़ी होगी, मैं आपको दिखा दूंगा क्या था। हाँ, ओपन ए प्रोजेक्ट्स ये हैं, ओपन ए प्रोजेक्ट्स, ओपन ए आई कॉन्टेंट, ये बेसिकली मैंने बैकएंड में बनाई, मैंने इसकी बैकएंड की एपीआई बना दी है, यहाँ पे आके इसका फ्रंट एंड डिजाइन करना है थोड़ा बाद में जाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि काम किस तरह से कर रहा है। हो सकते हैं मेरा अकाउंट है ना स्टैक ओवरफ्लो पे, आपका भी अपना बनाओ अकाउंट और आ जाओ, ओपन सोर्स है। फहीम चेयर नहीं है आपके पास, अंदर से पकड़ लो फिर चेयर। ये एक चीज है कि जो है ना आपका चैट जीपीटी इसने कंटेंट राइटर्स का और एसईओ एक्सपर्ट्स का इनका थोड़ा सा जीना हराम किया है, कि जो है ना वो काम जो पहले वो कहते थे कीवर्ड्स को यूज करते थे पूरा कंटेंट जनरेट करके देते, वो ये खुद ही करके। देखिए यहाँ पे आता मैं इसको अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ नोडमॉन करके मेरा app.js और मैं कर रहा हूँ एंटर, मेरा सर्वर स्टार्ट होगा बैकएंड का। ठीक है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसी का जो है ना ओपन कर रहा हूँ थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट एक तरह की एक्सटेंशन है जो कि हमारी रिक्वेस्ट भेजती है, न्यू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और मुझे जो है ना अब अपना यूआरएल ऐड करना है कि यार मुझे कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं ऐड करूंगा यहाँ पे आके पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पे आके मुझे अपना यूआरएल ऐड करना है, मैं लिखूंगा यार लोकल होस्ट कॉलन 8000/openai/generate-article। ये बेसिकली मैंने इसका राउट बनाया है कि यार इस आर्टिकल इस पे इसके ऊपर अगर कोई यूजर जाएगा तो उसको जो है ना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब बॉडी के ऊपर आते हैं यहाँ पे आके और मैं इसके ऊपर आकर क्या काम करूंगा, ऐड करने वाला हूँ अपना कुछ प्रॉम्प्ट। लेट सपोज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में देखिए एक चीज इनपुट लेता है, इनपुट लेता है यूजर से, मैंने बैकएंड में बस उसको एज ए उसका नाम यूज किया है। तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, क्या है
कारी साहब बताएंगे अच्छे से। अच्छा जी, ये जो है ना, फिर इससे मुझे रिस्पांस देना चाहिए। ये अभी कर रहा है सर्च हमारे पास। अच्छा ये देखो, अब ये एक तरह का इशू आ गया। यहाँ पे आके जरा चेक करो, मैंने उसको सेंड किया ना यहाँ पे आके, वो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट एपीआई प्रोवाइडेड। जो आपने एपीआई यहाँ पे आके उसको दी है ना, इनवैलिड उसकी रिक्वेस्ट हो चुकी है। एपीआई ठीक ठाक है बिल्कुल, यहाँ पे आके एपीआई बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन फिर भी उससे क्या काम किया, मुझे एक तरह का एरर दे दिया है। अब ये जो है ना, मैंने इसका पेड वर्जन जो है ना परचेज किया हुआ है ओपन एआई का। जो ओपन एआई है, इसकी आपको एपीआई बनानी पड़ती है अपनी, जिससे क्या होता है फिर आप अपना ना उनके एपीआई को यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। किस तरह से, आप अपने आर्टिकल जनरेट करो, अपने इमेजेस को जनरेट करो। मैं इसका प्रोजेक्ट किया, मेरे ख्याल मेरी एपीआई एक्सपायर हो गई है, यहाँ पे कोई दोबारा इसको परचेज करना पड़ेगा। अब इसमें सिस्टम ये कुछ ये होता है, या मैं आपको इसका दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दूं, अगर ओपन एआई इमेज जनरेटर में भी ये चल जाए, इसकी भी अगर, लेकिन एपीआई मैंने सेम यूज की थी, तो क्योंकि मैंने थोड़ी कंजूसी की, मैंने सेम एपीआई दोनों में यूज की है। देखते हैं क्या कहता है ये हमें, इसमें क्या है। इसका एक सिस्टम यार बहुत खराब है कि ये ना आपका मंथली ये चार्ज नहीं करते हैं, मंथली आपका ये चार्ज नहीं करते। ये क्या काम करते हैं कि आप अपना बस अकाउंट इसके साथ करो लिंक, और उसके बाद क्या होगा, ये जितनी आप रिक्वेस्ट मारोगे ना, उतने आपके 0.5 डॉलर से काटता रहेगा, आपके अकाउंट से डॉलर काटता रहेगा, जितनी भी आप रिक्वेस्ट मारते रहोगे इसके ऊपर। मैंने अपनी वो एपीआई की अपने एक टीम मेंबर को दी है, उसका बेसिकली उसने इसका जो है ना यूआई डिजाइन करना था, ये एक प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस का प्लगइन बनाना था, बट उसका बैकएंड मैंने उसको बना के दिया कि नोड जेएस और एक्सप्रेस में आपको ये बैकएंड बनाकर मैं दे देता हूँ, आप इसका वर्डप्रेस पर प्लगइन बना दो। उसने इसका वर्डप्रेस पर डिजाइन किया था, और उस दिन मेरा ख्याल है उसने कोई 180-200 रिक्वेस्ट मारी है इसके ऊपर, इसी एक एपीआई के ऊपर, और उस टाइम मुझे इसका बिल आ गया था, मेरा ख्याल है कोई उसी एक दिन में ही $100-150 आ गया था मुझे उसका बिल, उसे इतनी रिक्वेस्ट मारी है Nodemon, फिर मैंने उससे वो API ले ली है, API भी ले ली मैंने उससे। Nodemon और index.js करते हैं इस चीज को, तो ये हमारा सर्वर 9000 पे चल रहा है आके। अगर हम लोग अब आते हैं Postman के ऊपर, क्या कॉस्ट डिपेंड करता है Mustack के ऊपर, अगर आप बना रहे हो और अगर आप एक बिगनर हो और आपका क्लाइंट पाकिस्तानी है, डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तानी है ना, तो यार वो तो आपको फिर ज्यादा देगा, यानी मैक्स 50-60 में कर देगा, मैक्स बता रहा हूँ। वो भी बहुत जो है ना, उसकी अंदर से उसको हो रहा होगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा मैंने दे दिया है। लेकिन अगर वही काम अगर आप बनाते हो किसी अपने बाहर के क्लाइंट के लिए, तो आपको मिनिमम मिल जाते हैं 2.5-3 लाख तक, ठीक है, मिल जाते हैं। क्योंकि जो आप बिगनर, वो आप उनको बताते नहीं कि आप बिगनर हो, वो आपका काम देखते हैं ना, यार आपने उसको काम किस तरह से करके, आपका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि यार आपने पहले क्या क्या काम किया हुआ है, आपका रिज्यूमे वगैरह चेक कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, ठीक है। हाँ मैं कितना नहीं करता, मैं क्या कहते हैं, मैंने जो अपना पहला प्रोजेक्ट किया था ई कॉमर्स स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना, अभी बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। मैंने जो अपना पहला प्रोजेक्ट किया था वो ई कॉमर्स वेबसाइट ही मैंने की थी एक, और मेरा लोकल क्लाइंट था, पाकिस्तान का क्लाइंट था, वाल्टन में रहता है अभी भी, राफी उसका नाम है। तो ना उसको मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दी थी कॉस्मेटिक्स की। तो क्या सिस्टम था उसमें, उसने उसको एडमिन पैनल बनवाना था, क्लाइंट पैनल, और उस टाइम पे कह लो कि मैं भी बिल्कुल स्टार्टर ही था मेरा करियर का भी, ऐसे मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि यार क्या क्या इसका चार्ज मुझे करना चाहिए, और मेरा कोड जो था ना वो भी इतना अच्छा नहीं, मजे का नहीं हुआ करता था। मैंने उसको बोला कि यार मैं आपके जो है ना 1 लाख तक चार्ज करूंगा, तो आपकी मैं पूरी वेबसाइट जो है ना वो मैं बनाकर दे दूंगा, बट उसको हॉल पड़ गई वहीं पे, तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। मैंने कहा फिर ना आपकी ना मेरी 75 कर लेते हैं हम लोग, फिर कहते नहीं 60 करते हैं, मैं क्या 70 करेंगे। 70 में पहले अपना प्रोजेक्ट किया था, फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट था, बट उसके बाद जो है मैंने किया था एक अपना दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको आई गेस आपको दिखाया भी हुआ, वो जो एडिटेबल कॉन्टेंट बनाता है, जो कंटेंट को एडिट कर रहा होता है, रेंटल पैनल के नाम से, आई गेस मैंने आपको दिखाया था पहले। तो वो क्या काम करता है, वो मैंने लिया था, एक दुबई का मेरा क्लाइंट था, बट उसे मुझे अच्छा खासा पे किया था, तो वो एक अच्छा क्लाइंट था मेरा भाई के क्लाइंट से अच्छे होते हैं, बहुत तंग करते हैं यार लोकल क्लाइंट्स होते हैं, बहुत तंग करते हैं। अच्छा यार ये मैं जरा अपना आपको दिखाने वाला था, ये ओपन एआई कंट्रोलर करंट का नहीं बताया, एक बिगनर या डिपेंड करता है वापस से, अगर आपके पास फॉरन से बार-बार का आपको क्लाइंट मिल जाता है ना, आप उसे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। अगर टाइम कितना लगता है ई कॉमर्स वेबसाइट,
आपको लग जाएगा अगर आप बनाने की कोशिश करो, अब सिर्फ और सिर्फ उसको टाइम दो, एक मंथ मैक्स है, एक मंथ मैक्स। वरना मैंने जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आएगा 4 से 5 घंटों में पूरी बनाई हुई है, 4 से 5 घंटों में पूरी बनाई हुई है, लेकिन एक बिगिनर के लिए एक घंटा, एक सॉरी एक महीना मैक्स है, इसलिए वो बना लेते हैं। ठीक है, मेरे तो एक मेरे एक फ्रेंड थे, साद नाम है उनका, उन्होंने बेसिकली मेरा उनका जो है ना बेट लगी थी कि यार ई कॉमर्स वेबसाइट कौन जल्दी बनाता है, तो मैंने बनाई थी आई गेस वो 4 साढ़े 4 घंटे, उन्होंने बनाई थी वो 2 घंटों में, सेम वेबसाइट उन्होंने वो 2 घंटों में बनाई थी बस। क्या बात है यार, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, उसने पूरा प्रॉपर कोड किया था। अच्छा जी यार, ये मेरा ख्याल इसकी भी अभी मुझे एक्सपायरी लग रही है, इसको अगर मैं चेक करूं आकर लोकल होस्ट कॉलन 9000 के ऊपर, हाँ यार ये बेसिकली एपीए मैंने दोनों में सेम यूज की हुई है, ये मसला आ रहा है। इधर एपीए मुझे दोबारा परचेज करनी पड़ेगी। इधर ये देखो मैं आपको ओपन एआई के ऊपर आके दिखा देता हूँ, ओपन एआई जो हमारा है ना, हाँ नहीं सच्चा नहीं है। वैसे ये जो आपका होता है ना दिसंबर के बाद, दिसंबर का 20 ऑफ दिसंबर और मिनिमम चलता है ये आपका मिड ऑफ जनवरी तक, 15 से 20 जनवरी तक ये आपका चलता है। इतना होता है कि इन एरिया इस पॉइंट में आके आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि होता है ये कि वहां पर क्रिसमस चल रही होती है, उनकी छुट्टियां होती हैं, वहां पर बाकी क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी छुट्टियां होती हैं, तो वो क्या काम करते हैं फिर क्रिसमस से वापस आते हैं, सीधे पदरे होने में उनको टाइम लग जाता है पहले क्या हमने काम करना है, इसी में वो पूरा एक महीना गुजार देते हैं। फेब के स्टार्ट में आपके दोबारा काम आना स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर रमजान का आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मसला बन जाता है रमजान में, कुछ ऐसा कि बस टाइमिंग का इशू हो जाता है। हाँ नहीं ऐसा नहीं हो, अब देखो होता इसमें सिस्टम ये है कि आप अगर किसी को कोई आपका क्लाइंट है ना और आप उसको अच्छा सा काम करके दो, वो आपके पास ही दोबारा आएगा। अब मेरे पास एक क्लाइंट थे, उसको मैंने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाकर दी थी, तो क्या सिस्टम था, उन्होंने फिर मेरे साथ जो है ना अपना कॉन्टैक्ट कर लिया कि यार आप जो है ना आपके साथ मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे प्रोजेक्ट्स बनाकर देंगे वर्डप्रेस की ही वेबसाइट्स, आई गेस वो मैं उनका उस टाइम पे ले रहा था 20 to $30 ले रहा था पर आवर मैं ले रहा था उनसे। ठीक है, अब अपवर्क के ऊपर ही, तो क्या सिस्टम था, उनको मैंने बनाकर दी थी, मेरा ख्याल है कोई 10 वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस के ऊपर बनाकर दी थी, तो उसका मैंने चार्ज किया था उससे कुछ उसमें उस हिसाब से, डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से काम करके देते हो ना, फिर उसके मुताबिक वो आपको फिर पे भी करता है और आगे वो फिर आपको रेकमेंड भी करता है। मैंने इंटर्नशिप की हुई है, मैंने इंटर्नशिप एक कंपनी में की थी, उधर सिलिकॉन नेक्सस के नाम से एक कंपनी है, अमाना के सामने है, ये अमाना मॉल के सामने है, मैंने वहां पर इंटर्नशिप की थी। हाँ आई जैनब टावर ये है कि पता नहीं एग्जैक्ट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उधर ही है, उधर ही मैंने इंटर्नशिप की थी, 3 से 4 महीने मैंने इंटर्नशिप की थी उधर, और वो मैंने फ्री में इंटर्नशिप की थी, और मैं उन्होंने कहा था कि यार आपको पे करेंगे 3-4 महीने बाद, बट नहीं किया उन्होंने, मैंने कहा ठीक है यार, नहीं 3 महीने किया था, 3 से 4 महीने मैंने किया था। हाँ डिपेंड करते हैं ना आपकी इंटर्नशिप आपने अच्छी जगह की है और आपने कुछ वहां से सीखने को मिला भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे वहां से सीखने को ऐसे ज्यादा नहीं मिला, मुझे ऐसे ज्यादा वहां से सीखने को नहीं मिला, तो इसलिए मैं कहीं एक नई जगह जॉब जब करने गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, थ्योरी सारी हो गई मेरी क्लियर, जब उन्होंने मुझे कोई टास्क दे दिया वो मुझसे नहीं हुआ, क्यों मुझे आता नहीं था, तो डिपेंड करता है अगर आपने इंटर्नशिप कहीं पर की है ना तो आपको वो काम आता भी हो। ये तो डिफरेंट कंपनीज है ना, डिफरेंट कंपनीज है। अब देखो आपकी जो नेटसोल है ना, नेटसोल आप नेटसोल में भी इंटर्नशिप अच्छी नहीं करा रहे, मैं वहां पर क्योंकि मैंने वहां पर जॉब की हुई है, वहां पर आपको इंटर्नशिप भी फारग है बिल्कुल, आपको जो आपका इंटर्न होता है ना उसको बिल्कुल साइड पर बिठा देते हैं कि यार ये बस करता रहेगा खुद ही, कोई उसके ऊपर ऐसे सीनियर नहीं आता कि यार ये सीनियर उसको कुछ समझाएगा गाइड करेगा, उसको कभी कभार कोई टास्क मिल जाता है इंटर्न को कि यार आप ये टास्क करते हैं, वो फिर कर लेते हैं, फिर वो वेला बैठा रहता है। अगर इंटर्न जो है वो थोड़ा सा जो है ना जिद्दी हो, वो क्या काम करता है अपने सीनियर के पास जाता है, काम खत्म हो गया मुझे देंगे काम, क्योंकि मैं पहले जिद्दी नहीं था, पहली कंपनी में जाके फिर मैं दूसरी कंपनी में जा गया हूँ मैं, और उसको मैंने कहा कि मैं मेरे जब वो जो है मुझे कुछ टास्क देते थे, मैं जब मेरा हो जाता था कोई 1-2 घंटों में वापस जाता, मैंने वापस मैंने दरवाजा नॉक करके मेरा काम हो गया सर, काम हो गया मेरा, काम हो गया मुझे अगला टास्क दे जल्दी से, कहता हौसला रखो भाई आते आते बैठो वहाँ पे, मैं कहता नहीं यार मुझे काम दे दें आप, स्लैक पे आ रहा स्लैक में उनको मैसेज ड्रॉप करता कि यार मेरा काम हो गया बाबा, क्वेश्चन मार्क करके एंटर कर, क्वेश्चन मार्क एंटर, क्वेश्चन मार्क एंटर, काम का काम कर, तो फिर वो तंग आके फिर और काम दे देते थे। डिपेंड करता है ना आप किस तरह से काम लेते हो, फिर इसलिए मुझे उस कंपनी में ज्यादा सीखने को काफी मिला था।
हाँ क्या है होता ये भी है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ रमजान और इससे पहले जो जनवरी का मंथ होता है, इसमें कंपनीज अपने डेवलपर्स निकाल देती हैं या आउटसोर्स कर देती हैं कि यार हम जो है ना ये आप अब हमारे डेवलपर्स पकड़ लो और आप इनको पे करो, ये आपका काम कर देंगे क्योंकि हमारे तो खाते से बाहर हो गए हैं। क्योंकि इस टाइम पे होता है क्या, कंपनी के पास काम नहीं आ रहा होता, ऑनेस्ट बात है। जनवरी क्योंकि उधर से क्रिसमस आ रही होती है, और फेब और मार्च क्योंकि इधर से रमजान और पेपर्स आने वाले होते हैं सभी स्टूडेंट्स के, ये बस बड़ा मसला बन जाता है इन कंपनीज को। अच्छा जी, हमारी बातें कहां से कहां निकल गई, बट मैं ये आपको एक न्यू एपी बाय करके फिर दिखाऊंगा यार कभी। अच्छा यार, वापस आते हैं हम लोग अपने यूज इफेक्ट के ऊपर ही। आज हमारा यूज इफेक्ट का सिस्टम है, तो अब इसको जरा देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। यूज इफेक्ट होता क्या चीज है, मैं जरा इसको बंद कर रहा हूं और अपने कोड को वापस लेकर आते हैं। यूज इफेक्ट है, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में जो यूज स्टेट देखा है, लास्ट क्लास में नहीं, वो लास्ट लास्ट क्लास में देखा था यूज स्टेट, और हमने कल की क्लास में अपना शॉर्ट सर्किट को देखा है। अब जो हमारे पास यूज स्टेट था वो एक तरह का हुक था, यूज इफेक्ट भी हमारे पास एक तरह का हुक है। और हुक में हम लोग क्या, हमने कुछ अपने रूल्स देखे थे, क्या रूल्स थे इसके, हमेशा यूज आना चाहिए पहला एक रूल इसका ये था, उसके बाद हमेशा ये आपके कंपोनेंट के अंदर आना चाहिए, रिटर्न से पहले आना चाहिए, आपका एक रूल था। उसके बाद आपका एक ये रूल था कि आप कभी भी इसको कंडीशनली कॉल नहीं करवा सकते हो, ये भी मैंने बात की थी, ठीक है, इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। तो अब मैं यहाँ पे आके यही सिस्टम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके अपना एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर जनरेट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ यूज इफेक्ट। ओके, यूज इफेक्ट कंपोनेंट, और नहीं मुझे ये हुक्स के अंदर करना है ना, ये मैं अपने हुक्स के अंदर आकर करूंगा। यहाँ पे आके अपना एक नया फोल्डर जनरेट करूंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा यूज इफेक्ट। एंटर करते हैं इस चीज को, और अब इसके ऊपर आकर मैं अपनी एक फाइल जनरेट कर रहा हूँ यूज इफेक्ट के नाम से, यूज इफेक्ट कंपोनेंट डॉट jsx। अच्छा जी, अब ये जो यूज इफेक्ट हमारा है वो काम क्या करता है, इसके अंदर आ रहा है RAFCE कर रहा हूँ, क्या है ये एक्सटेंशन है जो हमारा हमें हमारा कोड जनरेट करके दे देगी, सारा कुछ इस तरह से बेस्ट है। इन सब चीजों को जो है मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और जो मेरी इंडेक्स और js है ना वहाँ पे आके मैं अपने यूज इफेक्ट कंपोनेंट को कॉल करवा दूंगा बस, और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। इसके ऊपर आते हैं, मैं अपना एक h1 ऐड करता हूं जिसको मैं बोलूंगा यार आप यूज इफेक्ट कंपोनेंट को रेंडर कर दो, यूज इफेक्ट और आपका वो है कंपोनेंट, यूज इफेक्ट कंपोनेंट और अबाउ इंडेक्स और js के ऊपर, और यहां पे आके आप इसको कॉल करवा दो बस अपने यूज इफेक्ट को। और एक रूल हमारा ये भी था कि हमेशा आपका कंपोनेंट कैपिटल में होना चाहिए, स्टार्ट का हमेशा कैपिटल में होना होता है आपका कंपोनेंट। अब इसको सेव कर देते हैं, हमारा टर्मिनल जब आएगा स्टार्ट ही है ना, मेरा टर्मिनल जो था वो मैंने शायद स्टार्ट ही करके रखा, बिल्कुल स्टार्ट करके रखा है, वो कंपाइल हो रहा है यहाँ पे आके, और यहाँ पे मुझे भी देखने को मिल जाएगा मेरा यूज इफेक्ट कंपोनेंट। अब यूज इफेक्ट कंपोनेंट काम क्या कर रहा होता है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। हमारा सिंपल जो यूज इफेक्ट कंपोनेंट है वो आपके आउट ऑफ द कंपोनेंट रहकर काम करते हैं, या फिर इसको मैं एक ऐसे कहूंगा कि जो आपका काम करता है साइड इफेक्ट्स परफॉर्म कर रहा होता है आपके। साइड इफेक्ट्स क्या चीज होती है, साइड इफेक्ट्स आपके पास होते हैं कि आपका कुछ ऐसा काम जो आपके उस वेब पेज पे तो ना हो रहा हो बट उस वेब पेज के बाहर सेम कंपोनेंट में हो रहा हो वो काम, ठीक है, या ये कहा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने ब्राउजर में ही आपको दिखा दूं यूज इफेक्ट कंपोनेंट, हमारे पास यहाँ पे एक चीज आ रही सेंटर में आ रहा है मैंने उसको बाय डिफॉल्ट सिस्टम कुछ ऐड की हुई है। अच्छा जी, अब सिस्टम कुछ ये है कि ये हमारा एक यूज इफेक्ट वाला कंपोनेंट है, मेरा कुछ काम वो इसके अंदर रहकर नहीं हो रहा, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं और से मेरा डेटा इसके अंदर आ रहा हो, किसी और फाइल से ही, किसी और API से मेरा जो डेटा है वो उसके ऊपर आ रहा हो, या फिर हो सकता है मैं इसका टाइटल चेंज कर रहा हूँ मेरे किसी लॉजिक के बेस पर, हो सकता है मैं इसकी जो साइजिंग है वो चेंज कर रहा हूँ, रिसाइज कर रहा हूँ अपने कंपोनेंट को किसी लॉजिक के बेस पर। समझ आ रही है इस चीज की, ये क्या है, काम होते हैं हमारे आउट ऑफ द कंपोनेंट रहकर, यार आप अपने कंपोनेंट से बाहर काम कर रहे होते हो हमेशा। ये एक चीज आपने याद रखनी है, आपका यूज इफेक्ट वाला जो कंपोनेंट, यूज इफेक्ट का जो लॉजिक है वो हमेशा रेंडर करता है जब आपका कंपोनेंट रेंडर करता है, अगर आपका कंपोनेंट रेंडर नहीं किया आपका वो लॉजिक रेंडर नहीं करेगा, जितनी बार आपका कंपोनेंट रेंडर किया उतनी बार आपका लॉजिक रेंडर करेगा यूज इफेक्ट वाला। तो इसका जो सबसे एक इंपॉर्टेंट हमारा मकसद है वो है हमारा API फेचिंग, हमें करनी है अपनी API फेचिंग। अब API फेचिंग क्या चीज होती है, API के पास आइडिया है हमें, मैं थोड़ा सा बताया इसके बारे में दोबारा से, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ। API हमारे पास होती है सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी ये होती क्या है, API सिंपल हमारे पास एक ऐसी चीज है जो किसी सर्वर से हमारा डेटा लाती है और यूजर को दे देती है, सही है। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं अपने एक गूगल के ऊपर और यहां पे आके मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा newsapi.org।
newsapi.org, ठीक है। अब ये क्या, ये एक तरह की ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप लोग जो है अपनी न्यूज की एपीआई मिल जाएंगी। आप लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या काम करूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, अगर मुझे मेरा पासवर्ड याद है तो, या फिर आई गेस सेव होगा इसमें, यार होना तो चाहिए सेव, नहीं है सेव। अगर मैं करता हूँ 2928@gmail.com, पासवर्ड में नहीं अपना खुल गया यार। अच्छा जी, अब सिस्टम कुछ ये है कि ये मैंने क्या काम किया, लॉग इन किया है। मैं अभी आपको इसका अकाउंट दूंगा, आपने किस तरह से उसे बनाना है, मैं आप ही में से किसी का अकाउंट बना दूंगा अभी यहाँ पे आके, ठीक है। क्या सिस्टम है, जब मैंने इसको लॉग इन किया मुझे मिली है एक तरह की ये एपीआई की, सही है। आप जब लोग जब इसको लॉग इन करोगे, साइन अप करोगे, आपको एक एपीआई की मिलेगी। अब वापस और इस बैक टू होम के ऊपर क्लिक करो। जब आप लॉग इन कर लोगे, बैक टू होम के ऊपर आए, ये मैं लॉग इन हो चुका हूँ, हर सारी 2928 आ चुका है। नीचे आओ, अगर आप लोग यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप अपना क्लिक करो, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, अब ये न्यूज एपी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि काम क्या कर रहा है। न्यूज एपी हमारा सिंपल ये काम कर रहा है कि आपकी इस टाइम पे ग्लोबली जो न्यूज चल रही है, ग्लोबली क्या काम करते हैं, वो आपको एज एन डेटा यहाँ पर ला कर दे देता है। फिर आप उनकी मैपिंग करके अपने ब्राउजर में या अपने वेब पेज में शो करवा सकते हो, अपने कोड में रहकर, यूज स्टेट को यूज कर, यूज इफेक्ट को यूज करके, ठीक है। अब इसने किस तरह से हमें डेटा ला कर दिया, मैंने अपना अकाउंट लॉग इन किया इसके ऊपर, फ्री में अकाउंट बना सकते हो इसके ऊपर। आओ यहाँ पे आके अपने एंडपॉइंट्स के ऊपर, और यहाँ पे देखो एक एवरीथिंग है और एक टॉप हेडलाइंस है। क्या समझ आती है इन दोनों को, एंडपॉइंट्स को देखकर? एवरीथिंग में क्या होगा, सारी न्यूज आ जाएंगी, अच्छी गंदी सारी न्यूज आ जाएंगी। हेडलाइंस में क्या होगा, टॉप के हेडलाइंस आ जाएंगे हमारे सामने। मैं यहाँ पे आके अगर एवरीथिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ना, क्या होगा, मेरे पास ये राइट साइड पर एक तरह का पूरा यूआरएल जनरेट हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे तो इस यूआरएल के एंड पर मेरी वही एपीआई की है जो उसने मुझे पहले दी थी, सही है, एपीआई की है। आप लोग सिंपल क्या काम करो, इस पूरे यूआरएल को कॉपी करो, कंट्रोल सी करो इस चीज को, और न्यू टैब पे आके इसको कंट्रोल वी कर दो। सिर्फ मैंने उस यूआरएल को कॉपी किया, पेस्ट क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे आके, और मैं आकर इसको कर रहा हूं एंटर। अब होगा क्या, आपके पास एक पूरी न्यूज की वो एपीआई जनरेट करके देगा आपको, और आपका पूरा न्यूज का डेटा देगा कि इस टाइम पर ग्लोबली क्या न्यूज चल रही है कुछ ये। और अगर आप लोग इस चीज को देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ रिजेंबलेंस रखता है जो हमने खुद बनाया था अपना यू स्टेट वाले के अंदर रहकर, एक एरे जिसके अंदर हमने 5-6 अपने ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने किया था कुछ ऐसा काम। लेकिन यहाँ पे आके क्या काम हो रहा है, चेक करो इसमें क्या है, ऑथर दे रहा है कि ये न्यूज किसने ऐड की है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन उसकी, उसका यूआरएल, उसकी यूआरएल टू इमेज, पब्लिश कब हुआ, कंटेंट उसका क्या है, ठीक है। ये इसने मुझे कोई, मेरा ख्याल 100-200 न्यूज दे दी है यहाँ पे आके। और हाँ, ये जो है ना, ये आपके पास मेरी लिंक करता है आपके बीबीसी और सीएनएन के चैनल्स को, कि उन पर जो न्यूज चल रही है ना ग्लोबली, क्योंकि भाई आपका ग्लोबल चैनल है, वहां से ये हमें न्यूज ला कर दे रहा होता है। और ऑब्वियसली अगर मेरे पास अभी ये न्यूज आ रही है, आप अगर अपना अकाउंट बनाओगे आपके पास डिफरेंट न्यूज होंगी, बिकॉज टाइम टू टाइम न्यूज तो चेंज होती रहती है ना, कभी सेम न्यूज तो नहीं रहती है। ये भी पॉसिबल है कि सेम हो जाए, कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो तो सेम हो भी सकती है आपकी, बट बताने का मकसद ये कि आपकी न्यूज डिफरेंट होंगी मोस्टली। अब ये क्या, ये हमारे पास हमारी एक तरह की एपीआई है, ये अगर ये आपका एक तरह का यूआरएल पड़ा हुआ है ऐसी है। आप लोग इस यूआरएल को यूज करके अपनी किसी भी एपीआई को फेच कर सकते हो, मतलब इस न्यूज एपीआई को फेच कर सकते हो। एपीआई सिंपल क्या चीज है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मेरी ये जो न्यूज एपीआई है ना, इससे काम क्या किया, उस बीबीसी और सीएनएन के सर्वर पे गई है और वहां से इसने मुझे डेटा ला कर दिया। कौन सा डेटा, ये सारा का सारा डेटा, वहां से ये सारा का सारा डेटा इसने ला कर मुझे दे दिया। अब मेरी मर्जी है एज एन डेवलपर, मैं सो जहां मर्जी यूज कर रहा हूँ, इसको मैं फिल्टर करूं, इसको मैं मैप करूं, इसको मैं इसमें से कुछ डेटा शो करवाना चाहूं, कुछ ना शो करवाना चाहूं, ये सारी की सारी मेरी मर्जी आ सकती है। समझ आ रही है इस चीज की, बेस्ट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जो है ना, मैंने अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जेसन व्यूअर के नाम से। उससे क्या हो रहा है कि यार मुझे ये जो मेरा डेटा है वो सारा थोड़ा सा फॉर्मेट होकर दिख रहा है, बट आप लोगों को आएगा दिखेगा कुछ इस तरह से, आप लोगों का आपका डेटा कुछ हिस्सा देखेगा। अगर आपके पास वो एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग कर लेना उसको इंस्टॉल। आप लोग अपने जाओ गूगल पर और आप लोग यहाँ पे आके लिखो जेसन व्यूअर एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन है आपकी। इससे होता है सिंपल ये है कि आपका वो डॉटर जो कोड है वो आपको थोड़ा सा फॉर्मेट होकर दिख जाता है, आपके पास है जेसन व्यूअर, ठीक है। इसको आप लोग कर लो अपना एड टू क्रोम और आपकी क्रोम में एड हो जाएगी। उसके बाद आकर सिंपल बस इसको एक बार रिलोड करोगे तो आपका जो कॉन्टेंट मेरे पास एड है आपने इसको एड कर लेना यहाँ पे करके। उसके बाद आकर बस आप अपने इस पेज में रिलोड करोगे, आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चराइज होकर मिल जाएगा, अच्छा लगेगा। वैसे कंटेंट हमारा सेम ही है यहाँ पर भी आके, रॉ में अगर मैं क्लिक करूँ कंटेंट हमारा यहाँ पे भी सेम है, बट ठीक से समझ नहीं आ रही बस मुझे इसलिए, ठीक है। वापस से एपीआई, एपीआई क्या काम कर रही है, हमारी एक सर्वर से कुछ डेटा हमें ला कर दे रही है,
एपीआई में अक्सर लोगों को मसला आ जाता है कि एपीआई कौन क्या है, एपीआई चीज क्या होती है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल करके आपको दिखाऊं ना, तो एपीआई हमारे पास एक ऐसी चीज है, और अगर एपीआई को आप लोग जो है ना एक सिंपल वर्ड में देखो, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर देखो, आपकी एपीआई आपका एज एन हो सकता है एक रेस्टोरेंट का वेटर। ठीक है, आप जाते हो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर और वहां पे आप जबकि कुछ भी अपना जो डिनर है वो ऑर्डर करते हो वहां पे, सही है, क्या होगा, वो जो आपका वेटर है वो जाएगा अपने किचन में और वहां से आपका ऑर्डर आपको लाकर दे देगा, कुछ ऐसे ही होगा सिस्टम। अब जो आपकी एपीआई है ना, वो आपका वेटर है, वो क्या काम करेगा, एपीआई आपकी सर्वर के ऊपर जाएगी, मीन्स अपने किचन के ऊपर जाएगी, वहां से आपका ऑर्डर लेकर आएगी, मीन्स आपका सारा डेटा लेकर आ जाएगी, किसको देगी, आपके यूजर को, मीन्स अपने कस्टमर को दे देगी। सिंपल एपीआई आपकी ये काम कर रही है, एपीआई का और कोई काम नहीं है। APIs डिफरेंट तरह की होती है हमारे पास, मैंने आपको एक दिखाई newsapi.com, ठीक, newsapi.org, आपके पास API होती है सुपर हीरो API। इससे क्या पता चलता है सुपर हीरो API से, आपके पास इस टाइम पे ग्लोबली आप जितनी भी मूवीज देखते हो, मार्वल की, डीसी की, द बॉयज है, जितनी भी चीजें हमारे पास यहाँ पे, वो सारी सारी सुपर हीरोज के आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे आके सुपर हीरो API के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे आके करते हो सुपर हीरो API, ये देखो सुपर हीरो API, और वैसे आप लोगों को इस पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आके अगर मैं क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, तो आप लोगों को मिल जाएगा कि यार आप जो जितने भी सुपर हीरोज चल रहे हैं, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जितने भी ये चीजें हैं वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सही है। आपको अपनी एक API की मिलेगी यहाँ पे आके, जब आप लॉग इन कर लोगे उसके बाद आप अपने सभी सुपर हीरोज का डेटा एक्सेस कर सकते हो, लाइक उनकी पावर्स क्या है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उनके पेरेंट्स कौन है, उनकी सिटी कौन से जिसमें वो रहते हैं। मोस्टली सुपर हीरोज तो होते वो न्यूयॉर्क के ही है, लेकिन तो सारी हमें बता देंगे सारी चीजें, ओके, बेस्ट है। आप लोग इसके ऊपर, लेकिन इसका ये एक इसमें मसला है कि इसमें आप लोग अपनी बना नहीं सकते अकाउंट, बहुत मुश्किल होता है आपका अकाउंट। मैं इसकी आपको URL दे दूंगा सुपर हीरो API का, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर कोड ही मिल जाएगा, मतलब पूरी API मिल जाएगी आप लोगों को, तो इसमें आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप लोगों ने कर लेना है। इस तरह से हमारे पास होती है एक मूवीज API, NASA API होती है हमारे पास, Spotify API होती है हमारे पास, जिसमें आपको गानों का सारा पता चल रहा होता है। मार्वल ने अपनी API निकाल दी है, मार्वल का किसी नाम सुना मार्वल का, मार्वल एक तरह का है स्टूडियो है, उन्होंने क्या कहा कि अपनी ही API निकाल दी है मार्वल API के नाम से, उसमें सभी मार्वल के सुपर हीरो सुपर विलन्स का उन्होंने डेटा दिया है कि आप अब डेवलपर्स उसको भी यूज कर सकते हैं। सुनने में आया कि अब DC भी इस तरह की कोई चीज निकाल रहा है डेवलपर्स के लिए कि वो भी उसको भी यूजर एक्सेस कर सकते हैं, डेवलपर्स एक्सेस कर सकते हैं। बताने का मकसद ये कि APIs फ्री में पड़ी हुई है, आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, ओके। हाँ, अब देखो ये मैंने आपको सिर्फ 4-5 बता दी हैं, APIs हमारे पास लाखों होती हैं, डिपेंड करते हैं आपको APIs चाहिए कौन सी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आके APIs चाहिए कि यार मुझे ना गूगल का मैप ऐड करना है, मुझे डिफरेंट कंट्रीज के मैप चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा कि यार मुझे चाहिए मैप API, तो इसके लिए हमारे पास एक गूगल खुद API निकाल कर दी हुई है, गूगल क्लाउड के नाम से आएगा, ठीक है, वो मैप्स, हाँ मैप्स प्लेटफॉर्म के नाम से, सॉरी, developers.com के, developers.google के ऊपर जाओगे यहाँ पे आपको वो API मिल जाएगी, लॉगिन करना पड़ेगा, प्राइस हाँ, लेकिन ये पेड है, ये पेड है, ये पेड आपकी API है, अगर आप इसको परचेज करो तो आपको ये मिल जाएगी। आप अगर अपने पूरे फेसबुक का डेटा एक्सेस करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, फेसबुक की आप API को यूज कर सकते हो, पेड है वो भी, आप इंस्टाग्राम की API को यूज कर सकते हो, वो भी पेड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हर एक चीज की आपके पास API मौजूद है, आपके पास कोई भी चीज अगर ऑनलाइन पड़ी हुई है ना, हमेशा आप लोग ये चीज देखो, अगर आपके पास कोई भी चीज ऑनलाइन पड़ी है वो आपकी हमेशा API के ऊपर आ रही है, क्योंकि शायद मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में, उसके बाद एक दो क्लास में बताया था कि हमारा हमेशा डेटा सारा सारा आ रहा था बैकएंड से, फ्रंट एंड पर तो कुछ होते नहीं, फ्रंट एंड सिर्फ क्या काम कर रहा है, उस डेटा को फेच कर रहा है, शो करवा रहा है हमारे यूजर को, कहा था मैंने ऐसा, ये आप देखो ना, ये पूरा का पूरा जो डेटा, ये उनके बैकएंड का URL है, ये उनके बैकएंड के सर्वर का, मैंने जो सर्वर की बात कर रहा हूं, उनके बैकएंड के सर्वर की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे आके, ये उनके सर्वर का URL है। हम लोग खुद अपनी APIs बनाएंगे आगे जाकर बैकएंड में, खुद अपनी भी APIs बनाएंगे, बट अभी हम लोग बिल्ट इन APIs को यूज कर रहे हैं, समझ आ गई इस चीज की, बेस्ट है। हां हां, लाइव हम लोग हमेशा जब आप अपनी कोई API बनाते हो ना, अब उसको लाइव करोगे, उसके बाद जो दूसरे लोग है उसको यूज कर सकते, वरना नहीं यूज कर सकते। अगर मैंने कोई ऐसी API बना दी जिसमें जो है ना, मैं अपने फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं पोल्ट्री की API बनाकर अपने बैकएंड में उसको सेव करवा देता हूँ, इंग्लिश पोल्ट्री है, सेव करवाता हूँ, मुझे उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा अगर आप में से कोई आकर उठकर मेरी उस API को यूज करना चाह रहे हैं, वरना तो मेरे पास वो लोकल चल रही है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी वो प्रोडक्ट्स थी हमारे पास, उसमें मैंने 5 प्रोडक्ट्स ऐड कर दी थी, एक अरे उसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हमारे, क्या वो ऐसे ग्लोबल काम कर रहे थे, वो सिर्फ काम करते मेरे इस लैपटॉप के अंदर रहकर, जब तक मैंने उसको डिप्लॉय नहीं किया तब तक वो काम नहीं करेंगे आप, समझ आ गई इस चीज की।
तो इस तरह से जो भी आप अपना ऑनलाइन वेबसाइट देखते हो ना, हर एक चीज की एपीआई बनी होती है, हर एक चीज की, क्योंकि आपका कोई भी डेटा सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पर स्टैटिक नहीं पड़ा होता, आपका डेटा सारा का सारा आ रहा होता है बैकएंड से, बैकएंड के सर्वर से आ रहा होता है हमेशा आपका डेटा। लेकिन हम लोग फ्रंट पर सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग उस एपीआई को फेच कर सकते हैं, आगे जाकर हम लोग बैकएंड से वो बैकएंड में अपनी वो एपीआई बनाएंगे और फिर फ्रंट पर उसको फेच भी कर लेंगे। समझ आ गई इस चीज की, बेस्ट है। अच्छा, हम लोग फिर आप में से किसी का अकाउंट बना दूं यहाँ पे आके, ताकि आप लोग को पता चले किस तरह से आप अपना अकाउंट बनाओगे। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, किसका अकाउंट बना दें? हमजा हमजा हमजा, आके बता दो यार, आके बताओ जल्दी, ईमेल बताओ मुझे, आपकी ईमेल नहीं चाहिए, सिर्फ पासवर्ड मैं ऐड करूंगा उसका। मैं कुछ बोलूं? आकिब बताएं यार, आकिब अक्रम यही है, 206@gmail.com, सिंपल। आपका अगर इस तरह से कर देते हो ठीक है, उसके बाद आप अपना पासवर्ड ऐड कर लो, मैं akib@123 कर रहा हूँ, चेंज कर सकते हो इसको बाद में जाकर, सही है। लॉग इन कर रहा हूँ इस चीज को, और वी डॉन्ट हैव रजिस्टर्ड, ओके, मुझे इसको पहले गेट वन हेयर करना है ना, पहले गेट वन हेयर करूंगा मैं यहाँ पे आके। अच्छा, आपका आकिब, उसके बाद मैं आखिर कर दूंगा मेरा अक्रम, उसके बाद इसको पासवर्ड करते हैं, हाँ यहाँ पे आके मुझे इतना ईमेल ऐड करना है, इधर आकर मैं करूंगा आकिब अक्रम 206@gmail.com, ओके जी, इसका मैं पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ akib@123, ठीक है। आई एम इंडिविजुअल, या फिर अगर आप बिजनेस के साथ काम करें तो वो आपने बता देना है, ये इसका पासवर्ड है, चेक करो akib@123। आई एम नॉट अ रोबोट, कर लेना अगर नहीं हो रोबोट तो, और अग्री कर लेना इस चीज को और सबमिट कर देना इस चीज को, सही। सिंपल, इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा अकाउंट बनेगा और ये लो, आपकी आपको भी आपकी एपीआई की मिल चुकी है यहाँ पे, ये चेक कर लो, एपीआई की मिल चुकी है यहाँ पे आके आप लोगों को। अब अगर यहाँ पे आके अगर आप बैक टू होम के ऊपर क्लिक कर दो ना, तो क्या होगा, आपके पास भी ये लॉग इन हो चुका है akib akram 206। अगर आप अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हो, यहाँ पे आके अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आके अब आप लोगों को मिल जाएगा, अब आप यहाँ पे एवरीथिंग यहाँ पे टॉप हेडलाइंस के ऊपर क्लिक करो, आपका एक सेपरेट यूआरएल होगा जिसमें न्यूज आपकी सेपरेट आ जाएंगी। जैसे कि अब अगर आकर मैं इस यूआरएल को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेते हैं इस चीज को, कंट्रोल टी करके न्यू टैब, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं इस चीज को, आकर यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास कुछ ये इस तरह का हमें डेटा, नया डेटा मिल जाएगा, ये लो, ये हमारे पास कुछ और डेटा मिल रहा है हमें यहाँ पे, अब akib का डेटा आ गया, आपकी akib के अकाउंट का। आप लोग इसी तरह से अपना अकाउंट बना सकते हो, आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी, ये आपकी एपीआई की है, सही है। पूरा आपको जो आपका एपीआई का यूआरएल है वो आपका ये है, ये आपने कर लेना है, समझ आएगी अकाउंट किस तरह से बना है, सिंपल है, बेस्ट है। वापस आते हैं यूज इफेक्ट के ऊपर। यूज इफेक्ट हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने करनी है अपनी एपीआई फेचिंग। यूज इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम ही है ना हमारा, वो एपीआई फेचिंग है, क्योंकि आप कभी भी एपीआई फेचिंग अपने कंपोनेंट के अंदर रहकर नहीं कर सकते। मैंने आपको जो बताया वो आ रही है किसी और सर्वर से, ऐसे ना आपकी एपीआई किसी और सर्वर से आ रही है, आप हमेशा जो ना किसी और सर्वर का डेटा फेच कर रहे होते हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके तो यूज इफेक्ट को यूज कर रहे हैं। अब मैं या तो मेरे यूज इफेक्ट कंपोनेंट के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके अगर आप क्लिक करो इसके ऊपर, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाओगे, यूज इफेक्ट कंपोनेंट। अब जरा आओ और मैं अपना ऐड करूं यहाँ पे आके यूज इफेक्ट, पता नहीं क्या वजह है आजकल भी मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा यूज इफेक्ट, या जो भी मुझे सजेशन है, तो मैं खुद ही इसको टाइप कर लेता हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है। और इसको जो है हम लोग ये चीज देते हैं, इसका जो प्रॉपर पूरा सेंटेक्स है ना वो कुछ ये है यूज इफेक्ट का, जो कि कह रहे हो कि एक तरह का कॉल बैक रिटर्न करवा रहा होता है। कॉल बैक हमने बात की, क्या चीज होती है कॉल बैक, आपके फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन रन कर रहा था, आप कह लो आप फंक्शन के अंदर आपको और टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, आपका सिंपल पैरामीटर है। इसके ऊपर आकर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर आकर फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ एक चीज, कंसोल डॉट लॉग करो इस चीज को, और मैं इसके अंदर आकर लिख दूंगा मेरा यूज इफेक्ट कंपोनेंट, यूज इफेक्ट कंपोनेंट, सही है। और उसके बाद आकर सिंपल इसको सेव करते हैं, और मैं एक और चीज रिटर्न के अंदर आऊंगा, मैं रिटर्न में यहाँ पे आके अपनी कैलिब्रेशन ऐड करूंगा, और यहाँ पे आके मैं अपना कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और इधर आकर मैं लिखूंगा मेरा कंपोनेंट रेंडरिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा इस चीज को मेरा रेंडरिंग कंपोनेंट जो है ना वो मेरा यहाँ पे आके क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। और उसके बाद जो है मैं इस यूज इफेक्ट कंपोनेंट यूज इफेक्ट को रेंडर में करूंगा, यूज इफेक्ट रेंडरिंग, बेस्ट है। अच्छा, मुझे एक तरह का एरर दे रहा है, और इसको अगर मैं यहाँ पे आकर कर दूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आके ऐड कर रहा हूँ, एक यूज इफेक्ट है और एक कंपोनेंट रेंडरिंग हो रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, सही है। अब आप लोग, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया था, एक मिनट, मैं इसको जो है ना यहाँ पे आके अगर ऐड कर देता हूँ, हाँ अब सही है ये, और मैं इसको अगर अपने कर्ली ब्रेसेस में ऐड कर दूं, कर्ली ब्रेसेस में
तो हाँ अभी ठीक है, और यहाँ मुझे सेमी कॉलन मेरा हटाना पड़ेगा क्योंकि एरर दे देगा हमें। सेव करो भाई अब इस चीज को। अब क्या सिस्टम है, एक मैं अपना कंसोल डॉट लॉग ऐड कर दिया है अपने यूज इफेक्ट के ऊपर आकर, और एक ऐड किया अपने रिटर्न के अंदर आकर। अब आप लोग ये चेक करो, इसका मतलब है कि ये रन करेगा जब हमारा कंपोनेंट अंडर रेंडर करेगा, ऐसे ही है ना। और ये हमारा यूज इफेक्ट है जब हमारा यूज इफेक्ट रेंडर करेगा। चेक करते हैं इसको ब्राउज़र में, कंसोल अपना देखते हैं। वेल इंस्पेक्ट किया मैंने यहाँ पे आके, और मैं आ रहा हूँ अब यहाँ पे आके अपने कंसोल के अंदर। कंसोल के ऊपर आ जाओ तो चेक करोगे आप लोग यहाँ पे आके। आप एक बार इसको रिलोड कर लो दोबारा से, चेक करो आप लोग यहाँ पे आके, जितनी बार हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ उतनी ही बार क्या होगा, हमारा यूज इफेक्ट वाला लॉजिक रेंडर होगा। कंपोनेंट रेंडरिंग आ गया पहले हमारे पास, पहले हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारा यूज इफेक्ट रेंडर हो गया। मैंने उसको रेंडर नहीं किया लेकिन वो ऑटोमेटिकली खुद ही रेंडर हो गया। अब इसका मतलब ये है कि यार इसके अंदर आप किसी भी तरह का लॉजिक अगर ऐड करो, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंसोल डॉट लॉग ऐड किया है, मैं अगर इसके अंदर किसी भी तरह का लॉजिक ऐड करता हूँ ना, वो सारा ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के इसके अंदर करनी है, क्योंकि अगर हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज ऐड कर दी जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, जैसे हमारा कंपोनेंट रेंडर और रेंडर होगा वो भी चीज रेंडर हो जाएगी, और हमारा पूरी जो वेबसाइट वो क्रैश कर सकती है। समझ आ रही है इस चीज की, क्रैश कर सकती है हमारी वेबसाइट वहां पे आके। इसलिए चेक करना हम लोगों ने पहले इस चीज को। तो जरा इसको देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है हमारा। अब मैंने आपसे आप लोगों से जो स्टार्टिंग में आकर बात की थी वो ये बात थी कि यार ये जो है ना आपके आउट ऑफ द कंपोनेंट रह कर काम करता है आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे आप अपने टाइटल को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक चीज करता हूँ, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। एक हमारे पास फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, आप इसको इज इक्वल टू कर सकते हो अपना न्यू टाइटल। सही है, बाय डिफॉल्ट मेरा जो टाइटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिएक्ट ऐप, ऐसी है टाइटल ऊपर जो आ रहा है। मैं आखिर क्या काम कर रहा हूँ, इसको कंपोनेंट डॉक्यूमेंट और टाइटल करके न्यू टाइटल कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा क्या होगा, कंपोनेंट रेंडर होगा, क्या होगा मेरा ये वाला लॉजिक रेंडर कर जाएगा, और ये क्या होगा, ये चेंज होकर एड हो जाएगा न्यू टाइटल में। मैंने इसको सेव कर दिया, ये आ जाओ ये आ गया हमारे पास न्यू टाइटल में। समझ आ गई इस चीज की, जैसे मैंने मेरी कंपोनेंट को रेंडर कर दिया यहाँ पे। अब इसी को आप लोग कुछ अपना लॉजिक ऐड करके भी ऐड कर सकते हो। किस तरह से, अपने एक स्टेट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब हमें सबसे ज्यादा काम स्टेट्स के ऊपर ही करना है, उनकी में जरूरत हर जगह पड़ेगी। मैं बोलूंगा यार आप अपनी यूज स्टेट ऐड करो कॉन्स्ट, और एक इसके अंदर मैं इसको वैल्यू भी दे देता हूँ, वैल्यू कॉमा और सेट वैल्यू इज इक्वल टू करो इस चीज को यूज स्टेट हमारी, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको रख रहा हूँ जीरो। सही, जीरो, हमें पता है कि हम लोग इसके अंदर कोई किसी भी तरह का अपना डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। और स्टेट की जगह मैं इसको ऊपर इंपोर्ट कर लूँ, जरा ये इंपोर्ट भी हो गया ऊपर, बेस्ट है। अब यहाँ पे आ रहा हूं मैं, और इसके ऊपर आकर मैं क्या सिस्टम कर रहा हूँ, मैं इसको बस थोड़ा बहुत इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ ताकि जो है ना ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। स्टाइल इज इक्वल टू, मैं इसको करूंगा यार आप मेरा करो डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, देन हमारा आ जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन। वापस से इनलाइन स्टाइल रिकमेंडेड भी नहीं है बट थोड़ा सा स्टाइल करने से मैंने इसको करा हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी क्या है, कॉलम, देन हमारे पास आ जाएगा हमारा जस्टिफाई कॉन्टेंट, वो हो जाएगा हमारे पास हमारा सेंटर, और लास्ट में मैं ऐड करूंगा एक अलाइन आइटम भी सेंटर, अलाइन आइटम्स कॉलन, वो भी हमारे पास आ जाएंगी हमारी सेंटर में। बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा मुझे और किसी से नहीं देनी है, बस मुझे ये करनी है ताकि मेरा जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। और एक ऑनलाइन भी कर देते हैं, एक टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर देते ताकि सारा सारा सेंटर में आए, टेक्स्ट अलाइन हमारा वो भी सेंटर में आ जाएगा। ओके जी, सही है। अब सीन कुछ ये कि यार मैं नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे, और इस यूज इफेक्ट के बाद मैं अपना एक बटन ऐड कर रहा हूँ, एक बटन है बटन, और इस बटन पर लॉजिक हमारा ये कुछ कुछ ये है कि जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा ना, वो हमारी वो जो वैल्यू वो अपडेट होती रहेगी, मतलब जीरो है फिर वन होगी फिर टू होगी फिर थ्री होगी, कुछ ऐसा का लॉजिक हमारा चलने वाला है यहाँ पे आके। ठीक है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसके ऊपर पहले तो अपने उस टेक्स्ट को कॉल करा दूंगा जो मैंने ऊपर अपने वैल्यू एड किया, उसको मैं पहले आकर कॉल करा दूं एक अपने H1 के अंदर ही आकर, H1 ऐड करते हैं यहाँ पे आके। और मैं बोलूंगा कैलिब्रेसिस के अंदर आप ऐड करो हमारी उस वैल्यू को, मीन्स हमें मुझे अब मेरे ब्राउजर में जीरो दिखने वाला है इस टाइम पे। बेस्ट है, बटन के ऊपर आते हैं और मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ अपडेट या इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करते हैं। और ऑब्वियस मुझे इसके ऊपर जो है ना अपना फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। हम लोग किस तरह से अपनी जीरो वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं भला, हम लोग इसको यूज करेंगे ना, सेट वैल्यू को यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं। सिंपल आऊंगा मैं यहाँ पर अपने इसके ऊपर, और मैं इनलाइन फंक्शन ऐड कर रहा हूँ ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक के ऐड कर दो इस चीज के ऊपर आकर इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और अगर मैं इसको आकर कर दूं मेरा सेट वैल्यू, सेट वैल्यू, और इसको पास कर दो अपना क्या वैल्यू प्लस वन, बस क्या होगा आपकी वैल्यू इनिशियल सेट है उसके अंदर प्लस वन कर दो ऑटोमेटिकली जो है उसको अपडेट करेगा। लेकिन सेव करूंगा एक एरर आ जाएगा, क्या एरर आएगा मेरा लाइबा, मैं जैसे अब इसको सेव करूंगा, मैं अब तक इसको सेव नहीं किया, मैं सेव करूंगा जैसे ही मेरा ये एरर आने वाला है, जैसे मैंने ये काम किया ना सेट वैल्यू इज इक्वल टू, सेट वैल्यू को पास कर रहा हूं मैं वैल्यू प्लस वन,
ठीक है, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि यार जैसे इसके ऊपर क्लिक करे ना कोई, तो आपने क्या काम करना है, इसकी वैल्यू को अपडेट करना है 1 के साथ। तो मैं अगर अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया, मैं जैसे इसको सेव करूंगा मेरा जो पूरा का पूरा पेज है वो ब्लैंक हो जाएगा। मसला ये बनने वाला है मेरे पास, मुझे पता है क्यों बनने वाला है मसला, ये इन्फिनिट लूप चल जाएगा हमारा यहाँ पे आके। तो उसको उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या काम करना है, हमें एरो फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। हम लोग अपना एरो फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि एरर हमें पहले कई बार आ चुका है। अब अगर कंट्रोल एस करते हैं अभी ठीक ठाक हमारा काम कर जाएगा, सही है। सेव करते हैं अगर इस चीज को, और अगर हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर में एक बार इसको रिलोड कर लेना बस। मेरा आजकल थोड़ा सा स्लो है तो ये मैं इसको आज विंडो करता हूँ अपनी जाकर बस, ठीक है। अगर एक बार इसको आके इसको रिलोड भी कर लेते हैं, कंपाइल आएगा नीचे वो हमारा कर रहा है। मैं अपना टर्मिनल नीचे खोल के रखता हूँ, ठीक है ये आ गया हमारे पास। अब सीन कुछ ये है हमारे पास यहाँ पे आके, अगर मैं इसके ऊपर आकर कर देता हूँ मेरा क्लिक, चेक करो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मेरा कंटेंट, सही है। अब लॉजिक कुछ ये है कि यार मैं अपना जो टाइटल है ना वो कुछ इसी की बेसिस पर कॉल चेंज करना चाह रहा हूँ, कि जैसे मैं क्लिक करूँ जो जो मेरी वैल्यू चेंज हो उसी तक के साथ मेरा टाइटल भी चेंज होता रहे। मैं कुछ वही काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, सही है। आते हम लोग अपने इस यूज इफेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे आके मैंने जो ऐसे डॉक्यूमेंट टाइटल करके न्यू टाइटल कर दिया है, इसके ऊपर आकर अब मैं अपनी कंडीशन ऐड करूं, इफ एल्स कंडीशंस। वापस से एक चीज मैंने आपको बताया था, कंडीशंस के अंदर आप अपने किसी हुक को कॉल नहीं करवा सकते हो, सही है, लेकिन हुक के अंदर आप अपनी कंडीशन को कॉल करवा सकते हो, ये चीज है, सही है। लाइक मैं जो यहाँ पे आके ये काम नहीं कर सकता, इफ मैं यहाँ पे आके ये कर दूं इफ करो, और उसके बाद जो है आप ये कर दो और मैं इसको बोल दूं कि यार यूज इफेक्ट मेरा ये, या फिर आप इसके अंदर जो है ना अपना इसके अंदर नहीं, आप इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने इस यूज इफेक्ट को आकर अगर कॉल करवा दो, इस पूरे को मैं अगर लेकर जाता हूं मेरे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे आके, सही है। मैं अपना ये काम नहीं कर सकता, लेट्स सपोज मैं अगर आज को बोल दूं वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर मैंने ये काम कर दिया ना, ये देखो मैंने काम किया, मैंने बोला अगर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो तो यूज इफेक्ट के अंदर हमारा ये वाला लॉजिक रेंडर कर दो। अगर मैं इसको सेव करता हूँ ना, आप लोग चेक करो कि मुझे एक तरह का एरर आएगा कि यार आपने अपने हुक को कॉल करवाया हुआ है कंडीशनली, चेक करो, रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट इज कॉल्ड कंडीशनली, React must be called in the exact same order in every component render. सही है, समझ आ गई एरर की, कि कभी भी हमें किसी भी कंडीशन के अंदर अपने किसी भी हुक को कॉल नहीं करवाना, लेकिन हुक के अंदर अपनी कंडीशन को कॉल करवा सकते हैं। तो मैं बस ये काम कर रहा हूँ, इस यूज इफेक्ट को ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और नीचे वाले को इसको भी इधर कर लेंगे, कर सकते हैं ऐसे। अब क्या होया, मैं यूज इफेक्ट के अंदर आकर उसको कॉल करा रहा हूँ, सेव कर रहे हैं, समझ आ गई इस चीज की, बेस्ट है। ओके जी, मैंने अगर उसको बोला कि यार अगर मेरी वैल्यू इक्वल टू जीरो है ना, तो क्या काम करो आप मेरे डॉक्यूमेंट और टाइटल को न्यू टाइटल कर दो, वो तो जीरो है ही, ये लॉजिक अच्छा नहीं बनेगा। मैं इसको चेंज करूंगा यार यहाँ पे आके, मैं इसको बोलूंगा कि यार अगर मेरी जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, वो अगर लेस देन जीरो है तो आप क्या काम करो, लेस देन जीरो नहीं, मैं इसको बोलूंगा लेस देन वन, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेस देन वन है ना तो आप क्या काम, तो हमें ये काम नहीं करना, तो हमें उसका टाइटल चेंज नहीं करना। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा है तो मैं उसका टाइटल चेंज करना चाहूंगा, मैं कुछ ये काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। अगर मैं आकर इसको बोल दूं अब इसके साथ इसकी वैल्यू न्यू टाइटल, और मैं यहाँ पे आके कॉलम करके डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस में, और मैं बोलूंगा इसको मेरी वैल्यू ही, सही है। और मुझे बाहर अपने बैकटिक को यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाहर इस टाइम पे सिंगल कोट्स हैं, डबल कोट्स हैं, मैं बाहर आके अपने बैकटिक को यूज कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से बैटरी यूज कर दिया मैंने, सही है। मैंने उसको बोला यार अगर मेरी वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाती है मेरे वन से या लेस देन वन है तो आप क्या काम करो, आप इस चीज को ये कर दो, जो जो उसकी वैल्यू की वो चेंज हो रही है, लॉजिक ही गलत मैंने ऐड की है जानबूझ के। अब ये देखो मैंने काम क्या किया यहाँ पे आके, एक मैं इसको आप दोबारा से रिलोड कर देता हूँ, लॉजिक मेरा चेक कर लो, इफ वैल्यू इज लेस देन वन तब आप क्या काम करो, डॉक्यूमेंट और टाइटल जो है ना वो मेरा आप ये ऐड कर दो, न्यू टाइटल और उसकी जो भी वैल्यू आने वाली है। सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं, न्यू टाइटल हमारे पास कुछ ये आ रहा है, इसको अपडेट करते जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग चेक करो, मैं इस चीज को जीरो को अपडेट करना चाह रहा था बट वो नहीं हो रहा है यहाँ पे आके, सही है, मेरी जो लॉजिक था वो गलत था। लेकिन अगर मैं आकर सिंपल अपना यहाँ पे आके वो एक यूज कर लूं नॉट का ऑपरेटर, हमने कल की क्लास में देखा, देखे ना, अगर मैं यहाँ पे आके अगर सिंपल अपना नॉट लिख देता हूँ, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरी वैल्यू पहले था, अगर वैल्यू लेस देन वन है तो, अगर मेरी वैल्यू लेस देन वन नहीं है अब इसका मतलब ये हो गया, If my value is not less than one, अब इसका मतलब ये होगा, समझ आ रही है इस लॉजिक की, सिर्फ हमने उसको उल्टा रिवर्स कर दिया ना, अपने उसी शॉर्ट सर्किट को। अब जरा चेक मारते हैं कि यार अब ये किस तरह से हमारा काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो सीन कुछ है, अगर हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन वन नहीं है, मींस वो ग्रेटर देन हो सकती है, ऑपोजिट हो गया ना, तो फिर हमारा टाइटल चेंज होना चाहिए। आई गेस अब ये ठीक है, देखो 19 हो गया ऊपर प्रॉपर ऑटोमेटिकली, सीधा 19 हो गया,
समझ आ गई इस चीज की। एक बार दोबारा इसको आकर रिलोड कर लो, बाय डिफॉल्ट आ रहे, बाय डिफॉल्ट आएगा हमारे पास हमारा कुछ ये रिएक्ट ऐप, चेक कर लेते हैं, चेक करो, बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमारे पास रिएक्ट ऐप। मैं जैसे आकर इसको कर दूंगा मेरा क्लिक, ये देखो चेंज हो रहा है, न्यू टाइटल बन, चेक करो शॉर्ट सर्किट से हमारा काम कितना इजी कर दिया। सिर्फ मैंने उसके साथ आकर क्या ऐड किया, अपना वो एक नॉट ऐड किया, उसे ऑटोमेटिकली उसको ऑपोजिट कर दिया। आओ सर एलिया, हाँ यॉकर, मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हमने क्या काम किया था, पहले उसको बोला था कि अगर वैल्यू जो है ना उसकी लेस देन वन है तो आप क्या काम करो, आप मेरे उसका जो टाइटल है वो कुछ ये रख दो, सिंपल ये मैंने उसको बोला है। अगर मेरे जो जो मेरा वैल्यू है उसकी जो वैल्यू लेस देन वन है, जो भी स्टेट है उसकी वैल्यू लेस देन वन है तो आप ये काम कर दो। फिर मैंने उसको बोल दिया साथ में आके एक नॉट का ऑपरेटर ऐड कर दिया बस, कि यार नहीं अगर मेरी वैल्यू लेस देन वन नहीं है तो आप क्या काम करो, तो ऑब्वियस जीरो जो है वो लेस देन वन होती है लेकिन वन लेस देन वन नहीं होती कभी भी। तो जैसे मैंने एक बार उसके ऊपर क्लिक किया मेरी वैल्यू अपडेट होगी, वो वन हो चुकी है। अब उसे सारा लॉजिक चेंज कर दिया, अब ये 16 आ चुका है हमारे पास यहाँ, जब जब क्लिक करोगे अब हमारे पास ये चीज आ जाएगी। हाँ वो भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये काम फिर भी ये उसके मुताबिक मुकाबले में थोड़ा साइज़ी होगा। अगर मैं आपको वैसे करके दिखाऊं, इसको मैं अगर कुछ कमिट कर दूं इस तरह से आकर, और अब आकर मैं इसको आपका लॉजिक जो आप बात कर रहे हो, अगर मैं इसको बोल दूं इफ वैल्यू इस फिर मुझे बोलना पड़ेगा इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए सिंपल, तो फिर आप ये काम कर दो, फिर भी हो जाएगा ना हमारा काम, सिंपल है। तो बातें दोनों एक ही हैं, अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या फिर अगर मेरी वैल्यू नॉट इज इक्वल टू लेस देन वन, ये भी एक बात है। सेव करते हैं इस चीज को आकर, दोबारा इसको रिलोड कर लो एक बार आकर, बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमारे पास देखो रिएक्ट ऐप। अब आकर सिंपल मैं जैसे के ऊपर कर दूंगा क्लिक, ये देखो अभी वही काम हो रहा है, न्यू टाइटल चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। लेकिन डिपेंड करता है अब यहाँ पे आके जो है ना आपके कोड को चेक किया जाता है, आपका जो एक क्यूए वाला बंदा होता है ना, क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा, वो आपके कोड को हमेशा चेक कर रहा होता है कि आपने कोड किस तरह से लिखा हुआ है। अब ये कोड जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यार काफी जो है ना, एक मेरा एक क्लाइंट था तो उसने हमारी थोड़ी सी बिजती की जब हमने उसको एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया, वहां पे जो आपका होता है ना हाई स्कूल, वो होता है आपके 12th पास वाला बंदा, ठीक है। तो हमने जब उसको अपना कोड दिखाया वो कहता है कि यार ये कोड ऐसा लिखा जो किसी हाई स्कूल के बच्चे ने काम किया, उनका हाई स्कूल, ठीक है, मींस बार बार भी पास किसी बच्चे ने काम किया, जबकि मेरे डेवलपर सीनियर डेवलपर बैठे हुए हैं उनको वो कह रहा है कि यार किसी हाई स्कूल के बच्चे ने काम किया हुआ है। इश्यूज क्या थे, कुछ इसी तरह के इश्यूज, सब समझ आ रही है इस चीज की लॉजिक। हम भले सिर्फ हमारा जो कोड है वो सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, हमारा कोड रीयूजेबल होना चाहिए और हमारा कोड अच्छा होना चाहिए, पढ़ने में आसानी हो उसको, समझ आ गई इस चीज की। यूज इफेक्ट हमारा काम करे जब जब हमारा लॉजिक, जब हमारा कंपोनेंट जब रेंडर कर रहा है उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट रेंडर कर रहा है। जब जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ना, मीन्स जब जब मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ ना उसकी, तब तब मेरा यूज इफेक्ट वाला लॉजिक भी रेंडर कर रहा है यहाँ पे आके। एक एग्जांपल है, सही, एक एग्जांपल ये है। इसी के साथ एक और इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ मेरा रीसाइजिंग की, इसके बेसिक अभी तक आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो एपी फेचिंग है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा इसकी, सही। एक और मैं अपनी स्टेट बना रहा हूँ यहाँ पे आके, और स्टेट का नाम रखूंगा कॉन्स करके, मेरा साइज कॉमा सेट साइज करें इस चीज को, और मैं बोलूंगा यार यूज स्टेट करो आप इस चीज को, और वो क्या होगा हमारे पास, मैं इसको बोलूंगा मेरी इनिशियल विड्थ होगी विंडो डॉट इनर विड्थ। बेसिकली यहां पे आके मेरा लॉजिक कुछ ये है कि ये जो मेरी स्क्रीन की इस टाइम पे आके विड्थ है ना, वो मैं उसकी चेक करना चाहता हूँ। अब इसकी छोटी होगी, अब इसकी बड़ी होगी थोड़ी सी, तो मैं इसकी बेसिकली ये विड्थ चेक करना चाहता हूँ कि क्या हो गया। तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, नॉट रिएक्ट बट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है विंडो डॉट इनर विड्थ के नाम से, सही है। आप लोग वो यूज करके अपने किसी भी स्क्रीन की विड्थ को एक्सेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आके क्या काम करता हूँ, वैल्यू के बाद ऐड कर देते हैं अपना, एक H1 के अंदर ही ऐड कर देते हैं। आखिर मैं बोल देता हूँ मेरा साइज कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अगर आप साइज को चेक करो, और मैं इसको इसके साथ इसको पिक्सल्स भी ऐड करता हूँ PX में, सही है, क्योंकि ये पिक्सल्स में होता है। सेव करते हैं, तो अब आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे इसका साइज भी दिखेगा कि यार मेरी इस स्क्रीन का साइज कितना है। एक बार आकर अगर इसको रिलोड भी कर लो, ठीक है, तो क्या मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर लिया, देखो इस टाइम पे इसका साइज कितना है, 1707 पिक्सल तक क्या है मेरी टाइम पे स्क्रीन का साइज है। लेकिन मैं एक और इसके अंदर लॉजिक ऐड करना चाह रहा हूँ, लॉजिक मैं इसके अंदर कुछ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि यार जैसे जैसे इसको छोटा करो ना तो इसका साइज चेंज होता है, डिफरेंट होता रहे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बात क्या कर रहा हूँ,
ठीक है, सीन कुछ ये है। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 1707 पिक्सल तक है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अब इसकी विड्थ कम होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। मुझे मीडिया क्वेरी का इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, ये मैं अपनी पूरी स्क्रीन की विड्थ चेक कर रहा हूँ बस, ठीक है। 1707 पिक्सल थी, बट मैंने इसको छोटा किया, ये कम हो गया। मैं अगर आके दोबारा इसको रिलोड करता हूँ ना, अब ये बताएगा 963 पिक्सल आपकी हो गई है, सही है। बट मैं ऐसे नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यार जैसे ही छोटा बड़ा होता है ना यहाँ पे आके, ये आपकी जैसे ही कुछ इस तरह से हो तो मैं वहां पर भी इसकी जो है ना विड्थ वो भी चेक कर सकूं। ये कुछ इस तरह से मैं काम करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही छोटा बड़ा हो तभी मैं इसकी विड्थ को चेक करना चाह रहा हूँ। सही है, समझ आ गई इस चीज की। तो वो हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, हम लोग आएंगे यहाँ पे और वापस हम लोग अपने यूज करेंगे उसी को, सेट साइज। हमारे पास सेट साइज एक चीज है ना, इधर आ जाते हैं। तो अब आऊंगा मैं यहाँ पर, इसी यूज इफेक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ये यूज इफेक्ट के अंदर ही मैं बोलूंगा यार आप क्या काम करो, आप मेरा सेट साइज पकड़ो, सेट साइज, और आप इसमें क्या काम करो, आप इसमें जो मेरी विंडो डॉट इनर विड्थ अब होगी ना, विंडो डॉट इनर विड्थ, सही है। अच्छा, आप इसको कुछ ऐसे नहीं करोगे, आपके पास क्या होता है, आपके पास एक तरह का इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, ये इवेंट होता है रीसाइज के नाम से, जो क्या काम करता है, आपकी विंडो की रीसाइजिंग को चेक कर रहा होता है। मैं वो ऐड करूं यहां पे आके, मैं बोलूंगा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, हमने इवेंट लिस्टर देखे हुए हैं, याद है ना सबको, इवेंट लिस्टर, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टर करो, और इवेंट क्या है हमारे पास, रीसाइज का इवेंट होता है हमारे पास यहां पे आके। आप क्या काम करो, आप रिसाइज का इवेंट ऐड करो, तो यहाँ पे आके या तो अपना एक सेपरेट फंक्शन बना दो या फिर डायरेक्ट अपने फंक्शन को यहीं पे लिख दो, दोनों बातें एक ही हैं। मैं यहाँ पे आके अपने फंक्शन को ही लिख रहा हूँ, कुछ इस तरह से कर सकता हूँ ऐसे में, सही है। अब इसके अंदर आकर मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर आकर मैं लिखूंगा कि जैसे मैंने उसको बोला कि जैसी मेरी रिसाइजिंग हो ना, मैंने एक इवेंट ऐड किया, रिसाइजिंग जैसे ही हो तो आप क्या काम करो, आप टारगेट करो मेरे सेट साइज को, और आप उसको क्या दो, उस टाइम पे आप मेरी जो विंडो डॉट इनर विड्थ होगी आपने वो दे देनी है मुझे, हाइट नहीं इनर विड्थ, और हाइट से आप लोग उसकी हाइट चेक कर सकते हो, इनर विड्थ, बेस्ट है, हो गया। सेव करते हैं जरा इस चीज को आकर, और अब जब दोबारा आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर में और जरा चेक करते हैं, एक बार इसको रिलोड कर लो दोबारा से। 1707 पिक्सल आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, हमारा जो सर्वर है मैं चेक कर लूँ कि वो अभी कंपाइल कर रहा है या पूरा रन हो चुका है, हो गया पूरा रन हो चुका है वो, सही। अब इसको अगर मैं आकर छोटा करता हूँ कुछ इस तरह से, चेक करो 1064 पिक्सल ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे उसको रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बट अब अगर आकर मैं करता हूँ इस चीज को छोटा बड़ा, चेक करो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या काम कर रहा है, मेरी स्क्रीन को कम ज्यादा कर रहा है। पहले ऑब्वियसली रिलोड नहीं, पहले भी नहीं हो रहा था, अगर आपको रिलोड करना पड़ना था पहले, मैंने उसको क्योंकि उसको इवेंट ऐड नहीं किया था रिसाइजिंग का। क्या हो रहा है, जब आप अपनी स्क्रीन को कम करते हो ना, वो आपको फिर अपने पेज को फिर रिलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा, अब ऑटोमेटिकली क्या काम कर रहा है, मेरी स्क्रीन को छोटा बड़ा कर रहा है, उसका साइज कम ज्यादा कर रहा है, सही है, समझ आएगी इस चीज की सब लोगों को। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला निकल कर आ जाता है हमारे पास, और वो मसला पता है क्या है, वो मसला आ रहा है हमारे पास हमारी स्टोरेज का, हमारी स्टोरेज। अब मैं हूं एक यूजर यहां पे आके, और गंदा यूजर हूं मैं यहां पे, मैंने क्या काम किया यहां पे आके, मैंने सिर्फ इतने से काम करने में ही अपने कितनी बार इवेंट फायर कर दिया होगा, क्योंकि मेरा एक इवेंट फायर हो रहा है, रीसाइज का इवेंट फायर हो रहा है ना मेरा, मैं इतनी बार ये काम कर रहा हूं, मैंने 100-200 बार ये अपना इवेंट फायर कर दिया, देख रहे हो गया। मैं अभी आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं ना, तो इतनी बार हो गया होगा ये, मैं आपको करके भी दिखाता हूं। जब इतनी बार अगर आप अपने सेम इवेंट को फायर करते हो ना, आपका वो स्टोर हो जाता है आपके लोकल स्टोरेज में, मींस आपके ब्राउजर की आपकी वेबसाइट की स्टोरेज में, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, समझ आ रही है इस चीज की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बात करने का मतलब क्या है, इंस्पेक्ट करके चेक करो, मैंने भी कंसोल लॉग ऐसा नहीं लगाया, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे आके इसका एक और चेक करो, इवेंट लिस्टर के नाम से हमारे पास एक बटन होता है राइट साइड पर, नजर आ रहा है सबको, इवेंट लिस्टनर, क्लिक करो इसके ऊपर आकर। अब यहाँ पे आके आप लोग देखोगे कि मेरे पास इसने एक इवेंट ऐड किया है नीचे, मैंने जब इसके ऊपर ऑन साइज का इवेंट ऐड किया तो ये इसने मुझे एक नीचे इवेंट दे दिया होगा, रीसाइज का होगा, यहाँ पे आके इसके पास ये पड़ा रीसाइज का, ये रीसेट है, खैर है, हाँ ये पड़ा रीसाइज, क्लिक करो इसके ऊपर आकर, तो चेक करो ये कितनी बार इसने मेरा इवेंट फायर किया, चेक कर लो ऑटो खुद ही, ठीक है, उसने मेरा इतनी बार इवेंट वो फायर कर दिया, और वो कह रहा है कि यार आप इसको रिमूव करो, उससे आगे मुझे ऑप्शन किया आप इसको रिमूव करो, आपको करना चाहिए इसको रिमूव, लेकिन मैंने नहीं किया। अगर मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ, मेरी एप्लीकेशन एट द एंड ये भी हो सकता है क्रैश भी कर सकती है, काफी स्लो हो जाएगी मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे आके, समझ आ रही है इस चीज की, ओके? तो इस चीज को हम लोग हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यूजर जो है वो तो हमें नहीं समझता ना, वो तो ऑब्वियसली कम ज्यादा करता रहेगा उसका साइज, ऐसी है वो क्या काम करेगा, अगर हमने ये लॉजिक नहीं लगाया, लेट्स सपोज मैंने आपको एक वेबसाइट पहले दिखाई थी slaveryfootprint.org, हमने एक वेबसाइट देखी थी जिसमें स्क्रोल होकर होकर क्या आता है, वो हार्ड कंटेंट लेकर आ रहे होते हैं हमारे पास, ऐसी है, उसको एक अच्छी लग रही थी मुझे, मैं एक यूजर मैं स्क्रोल करते ही रहूंगा उसको बार बार करता रहूंगा उसको, क्या होगा वहां पर एक स्क्रोल का इवेंट लगा होगा, जब बार बार स्क्रोल होता रहेगा वो एट द एंड क्या होगा उसकी स्टोरेज में जाकर ऐड हो जाएगा, वेबसाइट उनकी क्रैश कर सकती है, स्लो हो सकती है उनकी वेबसाइट,
समझ आ रही है मेरी इन सब बातों की? तो इसलिए इन सबको प्रिवेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इन सबको हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? हम लोग इनको आकर प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारे पास एक और चीज होती है, क्लीनअप फंक्शन। क्लीनअप फंक्शन हमारे पास होता है, और ये क्लीनअप फंक्शन क्या काम करता है? यूज इफेक्ट का ही एक सेंटेक्स आ रहा है हमारे पास, यूज इफेक्ट का ही। या तो मैं इसको, मैं आपको दो मैनुअल, इसके दो तरीके बता रहा हूँ, दो मैनुअल तरीके इसके। मैं एक तो ऐड कर, एक तो इस तरह से काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ विंडो डॉट रिमूव इवन लिसनर करो, विंडो डॉट रिमूव इवन लिसनर। और मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा रिमूव करना है मुझे, मैं उसको बताऊंगा कि यार रीसाइज का आप मेरा जो इवेंट है वो रिमूव कर दो, और ये अगर मेरा कोई सेपरेट फंक्शन है तो आप वो यहाँ पे लिख दो, वरना इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दोगे कि यार ये आपने ये चीज जो है ना वो अपनी रिमूव कर देनी है कंट्रोल सी करके। यहाँ पर आकर क्या काम करो, आप मेरी इस चीज को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। और आई गेस ब्रैकेट ज्यादा हो गई है, एक ब्रैकेट हटा देते हैं अगर हम लोग, ठीक है। तो ये भी ये बात वही हो गई है कि जैसे मेरा इवेंट जो है फायर हो रहा है ना, एड इवेंट इस तरह करो, उसके बाद उसको रिमूव भी कर रहा हूँ, तो ऐसे भी मेरा काम बन सकता है, सही है। अब अगर आखिर इसको एक बार रिलोड कर लो, और वापस से मैं इसको जो है ना कम कर रहा हूँ स्क्रीन को मेरी, और 1048 हो गई, और इसका थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसकी जो मैं रिसाइजिंग कर रहा हूँ थोड़ी। एक तो ये बड़ा मसला कि जैसे चार्जिंग पर लगा रहा हूं, तो इसका ये पैड ठीक से काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, रिसाइजिंग होगी हमारे पास, मैंने इसकी रिसाइजिंग कर दी है यहाँ पे आके। अब आते हैं इसको बड़ा करते हैं दोबारा से, और अब अगर आखिर मैं इसको चेक करता हूँ मेरे नीचे वाले में कहाँ है रिसाइज का इवेंट यहाँ पे आया होगा, ये बड़ा हमारा ये डेक चेक करो रिमूव, और उसके बाद क्या चीज है उसे ऑटोमेटिकली उसने उसको रिमूव भी कर दिया हुआ। समझ आ रही है इस चीज की? पहले क्या हो रहा था, इतने ज्यादा वो इवेंट ऐड हो गए थे, बट अब क्या हुआ है उसे ऑटोमेटिकली उसको रिमूव भी कर दिया हुआ। तो ये हमें काम करना पड़ेगा अगर हमें ऐसा लगता है कि यार ये इवेंट यूजर बार बार फायर कर सकता है। जैसे मुझे पता है कि ये वाला इवेंट यूजर बार बार फायर कर सकता है, तो इसलिए हमें इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा पहले। नहीं, वो ऐसा नहीं ना कहता, फिर वो तो कहेगा, वो हमेशा ऐसे कहेगा कि यार मैंने तो क्रैश करनी है, तो इसलिए हमें उसको रोकना पड़ेगा। बस तरीके हमारे पास काफी हैं। चाहिए एक तरीका ये है मैनुअल, वरना एक अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका, क्योंकि इससे हमारा कोड बढ़ रहा है, एक अच्छा तरीका नहीं है। हमारा बेस्ट तरीका क्या होगा, आप अपना एक ऐड करो क्लीनअप फंक्शन। आपका यूज इफेक्ट के अंदर एक लॉजिक होता है क्लीनअप फंक्शन का, वो आप ऐड करते हो कॉमा करके यहाँ पर आके अपनी एफटी अरे अपना ऐड कर दो, बस। अब अगर आकर मैं अपने इस चीज को कमिट कर देता हूँ ना, यहाँ पे आके कमिट कर दिया मैंने इस चीज को, इस क्लीनअप फंक्शन का पता है मतलब क्या होता है? ये होता है आपकी डिपेंडेंसी, एम्प्टी अरे डिपेंडेंसीज को कहा जाता है आपकी क्लीनअप फंक्शन के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर आपका जो क्लीनअप फंक्शन होता है। ये काम क्या कर रहा होता है आपका, आपका यूज, आपको अगर ऐसा लगता है कि यार आपका ये जो यूज इफेक्ट वाला लॉजिक है ना वो बार बार रन कर रहा है, आप इसके अंदर अपना ये क्लीनअप फंक्शन ऐड कर दोगे एम्प्टी अरे, वो फिर सिर्फ और सिर्फ इनिशियल टाइम पर रन करेगा, एक बार 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 रन नहीं करेगा। समझ आ रही है इस चीज की? वो सिर्फ रन करेगा आपके इनिशियल टाइम के ऊपर, मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर फर्स्ट टाइम जब वो रेंडर होता है ना हमारा कंप्यूटर, सिर्फ उस टाइम पे वो रन करेगा, उसके बाद बार बार वो रन नहीं करता रहेगा। वो इसी वजह से तो हो ही नहीं रहा, वो तो हो रहा है हमारी स्टेट की वजह से, वो तो हो ही हमारी स्टेट की वजह से रहा। अब देखो अगर मैंने ये काम कर दिया, वापस एक बार आकर इसको दोबारा से रिलोड कर लो। अब अगर मैं इसको दोबारा से छोटा बड़ा कर रहा हूँ, 861 पिक्सल्स ये कर दिया हमने कुछ, ये सही है, और 930 पिक्सल बढ़ा कर इसको दोबारा से, और अब अगर नीचे आता हूँ दोबारा से, और कहा है मेरा रिसाइज का इवेंट, ये बड़ा चेक करो वहीं आ रहा है, सही है। तो वो क्लीन हो चुका है हमारा फंक्शन यहाँ पे आके, अब वो क्लियर हो चुका है। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग भी आपको करके दिखा दूं एक बार आकर, इसी के अंदर आकर मैं अपना एक ऐड कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिसाइजिंग मेरी विंडो, रिसाइजिंग हमारी विंडो, और उसके बाद एक तो रिसाइजिंग विंडो होगी, और मैं अगर ये चीज अपनी ऐड नहीं करता हूँ, सही है, और ये मैनुअल वाला ऐड करके आप इसमें कंसोल डॉट लॉग आपका अपना ऐड करके दिखा रहा हूँ ये, और इसमें आकर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग मेरा रिमूविंग इवेंट या रिमूविंग क्लीन फंक्शन, सही है, रिमूविंग इवेंट, सही है, बेस्ट है, ओके, समझ आ गई सबको। अब क्या होगा, मुझे मेरे कंसोल में हर एक चीज दिखे जैसे मैं उसकी रिसाइजिंग करूंगा, जब वो रिसाइज हो रहा है तब भी, और जैसे वो रिमूव हो रहा है तब भी। रिलोड कर दो एक बार आकर, कंप्यूटर रेंडरिंग हो रहा है बाय डिफॉल्ट, हमारा कंप्यूटर रेंडर जो हो रहा है ये उसका है, इसको छोटा किया तो चेक करो, रिसाइजिंग विंडो, फिर कंप्यूटर रेंडरिंग, रिसाइजिंग विंडो, अच्छा इसने रिमूविंग वाला आई गेस यहां पे आके कॉल नहीं ना किया, रिमूविंग इवेंट यहां पे आके इसने कॉल वैसे नहीं किया, और वो इसने कॉल क्यों नहीं किया, अगर मैं ये काम कर दूं, अगर मैं आकर इसको ये कर देता हूं एक बार रिलोड, कंप्यूटर रेंडरिंग, अगर मैं आकर इसको कर देता हूं मेरा रिसाइजिंग विंडो, लेकिन ये इसने मेरे कंसोल में आकर क्यों नहीं काम किया, अच्छा मेरा ये इवेंट स्टोर हो रहा है कहीं पे कि नहीं, अगर मैं आकर इसके एलिमेंट्स में जाकर चेक कर दूं इवेंट्स में, अच्छा ये तो मेरा ऐसे भी नहीं हुआ, ये मेरा दोबारा से रन कर रहा है,
आई गेस ये अभी मेरा सर्वर जो है चल रहा है, कंपाइल कर रहा है मेरा ख्याल है। इसको हटाओ यार। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं और टर्मिनल चेक कर लेते हैं। तो मैं सामने टर्मिनल भी खोल रहा हूँ बस। अच्छा, एक बार दोबारा लोड कर लेते हैं। लोड किया इसको एक बार आके, और हमारा जो हमारा जो प्रॉपर रीस्टार्ट ही है। कुछ हमें वार्निंग्स आ रही हैं, वो index.js के अंदर वार्निंग आ रही हैं कि यार आपने उसको ऊपर इंपोर्ट किया लेकिन उसको यूज नहीं किया, बिकॉज हमने हमारा सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पे आके रेंडर हो रहा है। सही है, हमारा एक बार लोड हो रहा है और ठीक है। अब दोबारा आते हैं और अब अगर हम लोग आते हैं अपने वापस कंसोल में, ठीक है, और अब अगर आके मैं दोबारा इसको कम थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, रिसाइजिंग विंडो आ रहा है, कंपोनेंट रेंडरिंग आ रहा है, रिसाइजिंग विंडो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, और उसके बाद अगर मैं इसको कुछ ये कर देता हूँ, अपने इवेंट को फायर कर रहा हूँ यहाँ पे आके, सही है। पहले तो आप ये चेक करो कि रिसाइजिंग विंडो कितनी बार रन कर रहा है, जो आप कह रहे थे कि नहीं 100-200 बार, मैंने नहीं रन किया, कर दिया उतनी बार रन मैंने इसको, ठीक है, 100-200 बार रन हो गया हमारा ये, सही है। और उसके बाद आकर अब अगर मैं वापस आऊँ मेरे इस एलिमेंट्स के ऊपर और यहाँ पे आके मैं दोबारा चेक कर दूंगा इस चीज को, अपने इवेंट को, आपके जो डेवलपर टूल्स है ना, आप इन डेवलपर टूल्स के थ्रू अपना ये अब रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, बट हाँ हमें कंसोल में शो नहीं हो रहा, बस वो रिमूव हो रहा है, चेक कर लो, सही है। हमारा इवेंट जो वो रिमूव कर रहा है, बट वो आई गेस वो मुझे यहाँ पे मेरे कंसोल में शो नहीं करवा रहा, और वो क्यों शो नहीं करवा रहा भरा यहाँ पे आके, अगर मैं इस चीज को देखता हूँ तो मेरा ख्याल है मुझे इसका एक सेपरेट फंक्शन बना के उसमें रिमूव करना पड़ेगा, बट ये काम हमारा कर रहा है, इसमें वो इतना बहुत है, हमारा सिंपल हो ये रहा है यहाँ पे आके कि जैसे जैसे वो रिसाइजिंग विंडो करे ना, आगे वो इसको क्लीनअप फंक्शन भी हमारा ऐड करे, मीन आगे हमारा ये कंसोल डायलॉग भी आ रहा होगा रिमूविंग इवेंट, पहले रिसाइजिंग विंडो फिर रिमूविंग इवेंट, दोनों हमारे प्रिंट होंगे यहाँ पे, बट हमारा काम कर रहा है वो ये वाला काम हमारा यहाँ पे आके, और नीचे वाला जो मैंने अभी आपको एक क्लीनअप फंक्शन ऐड किया था अपना अपना जो मैंने क्लीनअप फंक्शन ऐड किया है, ये बातें दोनों एक ही हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा बेस्ट है तरीका। इससे ये होगा कि आपका यूज इफेक्ट के अंदर जितना भी लॉजिक है वो सिर्फ रन करेगा आपके इनिशियल टाइम पर, बार बार रन नहीं करेगा वो, और ये काम हम लोग करेंगे अपनी एपीएफ फेचिंग में, बिकॉज क्या हो कि मैं अपना एक सर्वर किसी सर्वर से एक डेटा लेकर आ रहा हूँ और वो उसको बार बार फेच करता रहे, न्यूज एपीआई में 100-200 न्यूज है मेरे पास और मैं उसको एक बार फेच कर रहा हूँ और यूज मुझे वो काम कर यूज इफेक्ट के अंदर, और अगर मैंने वहां पे आके ये चीज ऐड ना की क्या होगा, वो जब जब मेरा कंपनी रेंडर करेगा वो तब तक मेरे उस लॉजिक को रेंडर करेगा, मेरी एपीआई को बार बार फेच करता रहेगा वो। तो 200 का डेटा मेरे पास आया, 200 न्यूज का डेटा बार बार मेरे पास एज एन चंक डेटा आ रहा है, तो क्या मेरी एप्लीकेशन स्लो नहीं होगी? हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे मसले हैं, ये सारी परफॉर्मेंस के ऊपर बात आ जाती है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, है ये काम हमें करना पड़ेगा। ओके, मुझे यहां तक बताओ कोई मसला किसी को यूज इफेक्ट के अंदर, जितना हमने काम किया बेसिक्स मैंने कवर किया अभी तक, इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग इसकी प्रॉपर फेचिंग करेंगे, कोई भी मसला इसके ऊपर आकर किसी को, सबको क्लियर हो चुका है यहां तक आके, बेस्ट है, एंड करें, एंड करते हैं इस चीज को आकर।